ओके तो बेसिकली कर्व्स की फर्स्ट क्लास के अंदर नॉर्मली तो फर्स्ट मॉड्यूल करना बनता है, लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल काइंड ऑफ पूरा थ्योरेटिकल, ठीक है ना। उसकी मैंने पीपीटी बनाई हुई है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, अराउंड 68 स्लाइड्स की पीपीटी है जिसमें बेसिक लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड्स क्या क्या चेंज हुए हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स उसके अंदर होती है, बहुत मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं और जो फुल डिटेल में पूरे कोर्स में करने वाले, ठीक है ना। तो अननेसेसरी जिस पर टाइम देने से अच्छा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर टाइम देंगे, वो है हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग। क्योंकि मार्केटिंग, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करो, ठीक है ना, तो फेसबुक पे ऐड पे क्लिक करोगे, लिंक्डइन पे क्लिक करोगे, गूगल पे क्लिक करोगे, याहू पे क्लिक करोगे, टिकटॉक पे क्लिक करोगे, तो अल्टीमेटली वेबसाइट पे ही आते हैं। तो विदाउट वेबसाइट आप अपनी मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। कई लोग करते भी हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिसमें विदाउट वेबसाइट भी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फेसबुक के पेज पे लेके जाओगे, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लेके जाओगे, वो वेबसाइट जैसा एंटरटेन थोड़ा कर सकती है, यूज़र सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसलिए वेबसाइट होना एक बहुत अच्छी नेसेसिटी है, ठीक है ना। जैसे मेरी वेबसाइट 2012 में, फिर 13 में बनाई, फिर मैं भी 15 में बनाई, अब फिर 20 में बनाई, तो चार वेबसाइट बना चुका हूँ अभी तक। ट्रेंड चेंज होता रहता है, कॉम्पिटिटर्स की जब मुझे लगता है मुझसे बेटर हो गई है, एक आधी की हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लगता है 3-4 की हो गई तो फिर मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ बनाना। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है एक नेवर एंडिंग टास्क है, जैसे मेरी भी चेंज होती जा रही है, डोमेन तो एक ही है लेकिन जो डिज़ाइन है वो मैं चेंज करता रहता हूँ, मतलब जैसा ट्रेंड चेंज होता है वैसे मैं चेंज करता रहता हूँ। अगर आप YouTube को भी उठा के देखोगे, जब भी वो स्टार्ट हुआ और आज, बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। Facebook को उठा के देखो, मैं आपको एक टूल भी बताऊंगा जिससे आप देख सकते हो कि इस डोमेन पे पहले चल क्या रहा था और जो भी चल रहा था उसके लुक एंड फील क्या थी। तो एक वेबसाइट आती है जो कोई भी वेबसाइट जो लाइव हो जाती है उसको वो शुरू से लेकर अभी तक डेली जाती है, उस पर ब्राउज करती है और उसके सारे पेजेस को स्टोर करके रख लेती है, और ये सर्विस फ्री है, ठीक है ना। तो क्या होता है जब हम कभी डोमेन खरीदते हैं, एक डोमेन आज अवेलेबल है लेकिन हो सकता है कि एक साल पहले कोई यूज़ कर रहा था, उसने छोड़ दिया, अब वो चला रहा था वो गैम्बलिंग और पॉन की साइट, आपने वो डोमेन ले लिया और अपनी साइट बनानी शुरू कर दी उस पर, तो उसकी रेपुटेशन तो गैम्बलिंग और पॉन की वजह से पहले ही ख़राब है और आपने वही ले लिया। अब जैसे अमेजोन जैसा नाम सोचो, अमेजोन नाम से क्या पता चलता है कि पहले क्या चल रहा होगा, नहीं कुछ पता चलता ना। फ्लिपकार्ट से तो समझ में आता है, चलो कार्ट ई कॉमर्स कुछ होगा, फूड पांडा से समझ आता है कुछ फूड से रिलेटेड होगा, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिसे समझ में नहीं आते। जैसे पिज़्ज़ा हट से तो पिज़्ज़ा समझ में आता है, डोमिनोज से कहाँ समझ में आता है कुछ, स्विगी से कहाँ कुछ समझ में आता है, ठीक है ना। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दो टाइप की वेबसाइट होती है जिसके, एक को बोलते हैं स्टैटिक, एक को बोलते हैं डायनेमिक। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक कोड, एक कोडलेस। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो कोड वाली होती है जो HTML में बनती है। HTML क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, ये C++, जावा, HTML ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। तो HTML लैंग्वेज में हम अपनी स्टैटिक साइट बनाते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट जो है वो PHP पे बनती है। अब हमें तो PHP आती नहीं है, और हमने कोई भी वेबसाइट स्क्रैच से तो बनानी नहीं है यहाँ पे। हमारा मोटिव क्या है आने का, डिजिटल मार्केटिंग, ना कि वेबसाइट डिज़ाइनर बनना। तो फिर भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती होगी तो बुरा क्या, ठीक है ना। और वो अगर स्क्रैच से खुद ही करोगे तो सारा मार्केटिंग अपनी खुद की साइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कभी किसी कोई प्रोजेक्ट आ गया वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वो भी इजीली हैंडल कर सकते हो। तो जो वेबसाइट बनेगी एकदम, मतलब मेरी वेबसाइट अगर आपको ठीक लग रही है तो ये लेवल मैं आपको दे दूँगा, डिटो सेम ये बनाओगे आप। एज अ फ्रेशर ये लेवल बनाओगे तो नॉट बैड है ना, ठीक है ना। कोई भी नहीं बनवा के देगा आपको ये लेवल, मैं आपको ये लेवल आप अपने हाथों से बनाओगे, और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। अब स्टैटिक वेबसाइट में ये लेवल नहीं बनाएंगे हम, लेकिन जब मैं डायनेमिक वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म कराऊंगा आपको, डिट्टो सेम, सेम कलर्स, सेम स्ट्रक्चर, सेम कंटेंट, सब कुछ सेम, मैं भी इसको फॉलो करके पेज बनाऊंगा, आप भी इसी को फॉलो करके पेज बनाऊंगा, डिट्टो बन जाएगा। और इस लेवल की साइट आप किसी को भी दिखाओगे वो बोलेगा नहीं कि बेकार, अच्छा ही बोलेगा। और ये लेवल आपका फर्स्ट लेवल है, आपको पता है मेरा पहला लेवल क्या था, ये मेरा पहला लेवल था, तो काफ़ी बेटर है आपका, ठीक है ना। तो ऐसी वेबसाइट तो कोई प्रेफर नहीं करता आजकल, और ये मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं थी। फिर ये दूसरी वेबसाइट लुक एंड फील में ओके है लेकिन मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। थर्ड वेबसाइट जो है इसमें भी कुछ फ्लॉज थे इसलिए मैंने छोड़ दी,
तो फिर बनाई फोर्थ वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये डिटो वेबसाइट बन जाएगी, बहुत इजी है इसको बनाना। ये जो अफेक्ट देना है ये 2 मिनट का काम होता है, ये जो फॉर्म बनाना है ये भी बहुत सिंपल होता है, ये जो रीड मोर रीड लेस देना होता है ये भी बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी वीडियो डालना, अभी यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा, इंटरनेट स्पीड स्लो है थोड़ा सा। फिर ये बटन नीचे फिक्स हो गए, बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि अभी आता नहीं है तो सब मुश्किल है, लेकिन एक बार देख लोगे मुझे और फिर मैं आपको यहीं पर क्लास में करा दूंगा तो बहुत ईजी। तो पहले तो आप समझते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट को ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको स्टैटिक उसको डायनेमिक। कोड और कोडलेस से तो समझ में आता है कि एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें हम कोड में जाके ही एडिट कर सकते हैं तभी पेज में कुछ चेंज होगा, और एक है जिसमें कोड है ही नहीं, सीधा इंटरफेस दिया हुआ है, ऐड पेज तो पेज खुल जाता है, पेज का नाम लिखो, कंटेंट डालो, पब्लिश कर लो, पेज बन गया। लेकिन कोड वाली में हमें कोड के अंदर चेंजेस करने होते हैं, तो वो कोड के अंदर चेंजेस भी बहुत ईजी होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने कोड भी सिखाई है शुरू से, कोडलेस भी सिखाई है, और बच्चे बाद में बोलते हैं सर कोड वाली ज़्यादा आसान थी। बच्चे ही बोलते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे दोनों आती, मेरे लिए तो दोनों आसान, मुझे तो कोड वाली में भी टाइम नहीं लगता। कोड वाली बस थोड़ा सा क्या होता है कि कंटेंट अपडेट करने में टाइम लेती है, जैसे क्या होता है कि मैंने लोगो चेंज करना, 50 पेजेस हैं, एक एक पेज में जाके मैनुअली करना पड़ता है। यही अगर कोडलेस है, एक लोगो सेक्शन होता है वहाँ पे जाके चेंज कर लो, 1000 पेजेस भी होंगे तो चेंज हो गया। मेन्यू होता है ये, इसको मेन्यू बोलते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मेन्यू। मेन्यू क्या काम करता है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे इसी के थ्रू तो जाते हो, ठीक है ना। तो मेन्यू का दूसरा नाम है नेविगेशन। तो मेन्यू बार को आप नेविगेशन बार भी बोल सकते हो, ये नैव बार भी बोल सकते हो। तो स्टैटिक वेबसाइट में अगर सपोज ये मुझे कोर्सेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग भी ऐड करना है, तो अगर मेरी वेबसाइट में 125 पेजेस हैं तो एक एक करके जाके ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये डायनेमिक होती है तो मेन्यू का भी एक सेक्शन होता है, वहाँ जाके ऐड कर दो, 1000 पेजेस में ऐड हो गया। तो देख रहे हो, एक में हर काम मैन्युअली और एक में एक ही जगह करो ऑटोमेटिकली हर काम पेज में हो जाता है। इसलिए लोग क्या प्रेफर करेंगे, स्टैटिक के डायनेमिक, कोड या कोडलेस? कोडलेस। अब एक बिजनेसमैन, सपोज सर बिजनेसमैन है, सर सीख रहे हैं, अब थोड़ा स्टैटिक वेबसाइट बनाना तो मैंने सिखा दिया, या स्टैटिक वेबसाइट इन्होंने मुझसे बनवा ली क्योंकि सस्ती होती है ना स्टैटिक वेबसाइट, क्यों सस्ती होती है, मेहनत तो ज़्यादा बनाने वाले की। लेकिन बनाने वाले की पर्सपेक्टिव से मत देखो, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको ईजीनेस कहाँ पे मिल रही है डायनेमिक में, डिफ़िकल्टी कहाँ मिल रही है स्टैटिक में। तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसके लिए वो तो सब पैसे देगा ही नहीं, उसके जो ईजी है उसके लिए पैसे देगा। तो डायनेमिक बनाना आसान है मेरे लिए, मेरे लिए तो दोनों, लेकिन क्योंकि इनकी प्रेफरेंस डायनेमिक में ज़्यादा है, इनको ज़्यादा ईजीनेस मिलेगी चेंजेस करने में, तो मैं उसका रेट बोलूँगा 25,000 रुपये और स्टैटिक के बोलूँगा 15,000 रुपये। तो जो चीज़ यूज़र फ्रेंडली होती है उसके रेट अपने बढ़ जाते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। तो मार्केट में किसी भी कंपनी के पास जाओगे वो उसकी जो प्राइसिंग है ना आपके नेचर बिहेवियर पे डिपेंड करेगी, ऐसे ही होता है ना। मार्केट में जाते हो, एक चीज़ पसंद आ गई लेकिन रिएक्ट नहीं करना होता, रिएक्ट करते हो तो रेट बढ़ाता था, ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पर। रिएक्शन सीधा आता है कि डायनेमिक तो बहुत अच्छी है, मैं खुद भी चेंजेस कर सकता हूँ, तो रेट बढ़ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, तो आते हैं इस PPT पे। मेरे हर मॉड्यूल की PPT है, ये आफ्टर क्लास आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक और डायनेमिक से पहले देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट तो आपने देखी है, जीमेल भी एक वेबसाइट है, फेसबुक भी एक वेबसाइट है, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी एक वेबसाइट है। तो जितने भी आप ब्राउजर के अंदर कुछ भी खोलते हो, कोई भी डोमेन डाल के, वो सारी वेबसाइट्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती है, कुछ इंफॉर्मेटिव होती है, कोई सर्विस बेस्ड होती है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड होती है। अब इंफॉर्मेशन में भी बहुत सारी होती है, कई टूल्स होते हैं, जैसे कुंडली मैच मेकिंग भी एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, और रेसिपी वाली भी एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, आज तक भी एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती है, लेकिन सबको बोलते हैं वेबसाइट्स, ठीक है ना। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। रिलेटेड मतलब आज तक में अगर पॉलिटिकल वाले सेक्शन में न्यूज़ है तो स्पोर्ट्स वाले में भी न्यूज़ है, तो रिलेटेड ही तो हो गए ना, पूरी वेबसाइट ही किस पे बेस्ड है, न्यूज़ पे। अगर रेसिपी की साइट पे जाएं तो नॉर्थ इंडियन में भी रेसिपी है, साउथ इंडियन में भी रेसिपी है, चाइनीज़ में भी रेसिपी, थाई में भी रेसिपी, तो रिलेटेड हो गए ना सारे। अब मेरा वेबसाइट में आओगे तो SEO भी है, PPC भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो सब डिजिटल मार्केटिंग तो हुआ। मेरे ब्लॉग में भी आओगे तो डिजिटल मार्केटिंग वाले ही आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, करियर क्या है, SEO क्या होता है, ठीक है ना, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एडसेंस क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब की मार्केटिंग कैसे करते हैं, यही सब इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ। तो मेरी वेबसाइट में भी क्या हो गया, रिलेटेड वेब पेजेस। तो कोई भी वेबसाइट आप देखोगे
सब में रिलेटेड वेब पेजेस ही होते हैं, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट है तो हर प्रोडक्ट बेचता ही है वो, ठीक है ना। सब पे ऐड टू कार्ट दिखेगा आपको, तो सारी वेबसाइट्स के अंदर जो पेजेस होते हैं वो रिलेटेड ही होते हैं, अनरिलेटेड कभी नहीं होते। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया। अब एक वेबसाइट पे खोली आपने सिर्फ कंटेंट कंटेंट, विकिपीडिया बोरिंग, लेकिन अब जब काम है तो बोरिंग भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन है तो बोरिंग ही ना, कोई इमेज वगैरह कोई दंगी होती नहीं है उसके अंदर। लेकिन हमारी वेबसाइट है तो इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियोज़ भी होनी चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड भी होना चाहिए, लुक एंड फील भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो वेबसाइट में जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हम स्क्रैच से वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हमने काम करना है लुक एंड फील में। तो लुक एंड फील का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि स्टैटिक वेबसाइट तो HTML पे होती है और डायनेमिक वेबसाइट PHP पे होती है, लेकिन ये तो लैंग्वेजेस सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए होती है। लुक एंड फील के लिए कुछ और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं CSS। क्या बोलेंगे? CSS पढ़िए किसी ने वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ पर। ओके, तो CSS क्या है? CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग, आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। कैस्केडिंग नाम बहुत हार्ड है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सब आपको मिलेगा सामने, एडिट करके मैं दिखाऊंगा फिर आपने कर, कुछ भी रटने वाला कोर्स में है ही नहीं हमारा, सीखते जाना है, समझते जाना है, करते जाना, ठीक है ना। वैसा तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS। बीच वाला वर्ड क्या था? स्टाइल। तो मैंने क्या बोला? लुक एंड फील। लुक एंड फील का मतलब क्या? स्टाइल। तो जो भी वेबसाइट का आप किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन देखते हो, स्टाइल देखते हो, हर वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट बिना CSS के बन नहीं सकती, ठीक है ना। हर वेबसाइट में CSS होता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, विकिपीडिया हो, गूगल हो, कोई भी वेबसाइट बिना CSS की नहीं बनती, क्योंकि हर वेबसाइट की लुक एंड फील के पीछे क्या है? CSS। उसके अलाइनमेंट के पीछे क्या है? CSS। उसके स्ट्रक्चर लेआउट के पीछे क्या है? CSS। बैकग्राउंड में जैसे आपने इमेज देखी और वो इमेज रुकी हुई थी और कंटेंट मूव कर रहा था, CSS। तो हर चीज़ का जो देखो, वैसे तो बोलते हैं हम HTML वेबसाइट, PHP वेबसाइट, CSS की आता ही नहीं, लेकिन CSS के बिना कोई वेबसाइट दिखाऊंगा आपको अभी कैसे दिखती है, थर्ड क्लास। तो CSS का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने जो वेबसाइट बनानी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रैच से तो नहीं बनानी, ठीक है ना, क्योंकि हम वेबसाइट डिज़ाइनर तो है नहीं जो मैं आपको स्क्रैच से सब चीज़ें कराऊंगा। तो स्क्रैच से तो जो लोग करते हैं 3 महीने का कोर्स होता होगा मिनिमम, और जो मैं वेबसाइट आपको बनाने वाला हूँ 3 महीने का कोर्स करके 1 साल भी लगा रहा तब भी नहीं बना पाएगा। मतलब उतनी एडवांस वेबसाइट है, उतने एडवांस फीचर्स आपको सीधा मैं करा रहा हूँ। आपको क्या करना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में? आपको आउटपुट से मतलब है ना, ये बनाया कैसे उससे मतलब है। सही बात है ना। अब क्या होता है कि आजकल कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो 8 ईंट के बराबर एक ब्लॉक आ गया, तो जब वॉल बननी है तो वो ब्लॉक लगा दो या 8 ईंट लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? शॉर्टकट से तो काम होता है ना, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सेविंग भी होती है। 8 ईंट लगाओगे, हर किसी के बीच पे आपका वो सीमेंट डालना पड़ेगा, 8 ब्लॉक के बीच में, वो भी तो टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है। तो हर चीज़ एडवांस होती है, तो हम भी एडवांस तरीके से चल रहे हैं, हमें स्क्रैच से नहीं करना कुछ भी। हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है मार्केट में, आप खाने में देख लो, हर चीज़ बनी बनाई है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट वाला, ये भी सब रेडी टू ईट वाला। क्या है कि आपको बनी बनाई वेबसाइट्स के डिज़ाइन इंटरनेट पर मिल रहे हैं, फ्री भी मिल रहे हैं, पेड भी मिल रहे हैं। फ्री वाले तो बेकार होते हैं, हम तो पेड वाले पे काम करेंगे। पेड वाले मतलब इतने फीचर कि आप 10% भी यूज़ कर लो तो बहुत बड़ी बात है, इतने फीचर आपको करा दूंगा कि 10% भी यूज़ नहीं कर पाओगे, उतने फीचर्स हैं। और करना क्या है? कॉपी पेस्ट, पूरी वेबसाइट कॉपी पेस्ट में बनवा दूंगा मैं आपको। कंटेंट रिप्लेस बाद में करेंगे, जैसे क्या हो गया कि मैं आपको एक थीम बताई जहाँ पे 50 पेजेस हैं, हर पेज पर कुछ यूनिक एलिमेंट है। अभी एलिमेंट क्या होते हैं वो बताऊंगा अभी बाद में आपको, ठीक है ना। यूनिक एलिमेंट है, आपको किसी पेज से कुछ अच्छा लग रहा है, किसी पेज से कुछ अच्छा लग रहा है, आप अपना एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, हम जिस पेज से जो अच्छा लग रहा है उसका कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेज कर देंगे, दूसरे पेज पे कॉपी पेज, फिर कॉपी पेज, हमारा पेज पूरा बन जाएगा। तो ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हम वेबसाइट के बेस्ट एलिमेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उठा के अपना एक पेज बिल्ड कर लेंगे, और फिर उस पेज के थ्रू इनर पेजेस बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब अदर पेजेस हम उस पेज को यूज़ करके बनाएंगे। किसी वेबसाइट में भी आप जाना, हेडर, ये जो ऊपर होता है ना लोगो और जो मेन्यू होता है उसको हेडर बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको फुटर बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हेडर फुटर, ठीक है ना। फिर बीच में जो होते हैं उसको हम सेक्शंस, डिवीजन, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये जब मैं आपको 1-2 दिन में बेसिक HTML की क्लास कराऊंगा तो समझ में आएगी आप, ठीक है ना। तो वो सब मैं कॉपी पेस्ट से करेंगे, बहुत सिंपल है, वो देखेंगे आगे। तो वेबसाइट को लुक एंड फील देने के लिए हम मल्टीमीडिया डालते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब इमेजेस, CSS का रोल तो है ही, लेकिन इमेजेस भी डालते हैं और वीडियोस भी डालते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है इसका,
ज़्यादा हैवी इमेज हो तो स्लो भी हो जाती है साइट, ज़्यादा हैवी वीडियो डाल तो स्लो भी हो गई, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बताऊँगा आपको। वो फिर एसईओ में आएगा, क्योंकि एसईओ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेबसाइट की स्पीड। गूगल कहता है मैं उसी वेबसाइट को प्रेफरेंस दूंगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी, जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो वेबसाइट कई लोग बनाना शुरू कर देते हैं सीधा ही। मैं तो मानता हूँ कि मार्केटिंग का पहला पार्ट है वेबसाइट, वेबसाइट के बाद मार्केटिंग के बारे में कुछ सोच रहे हो, मार्केटिंग का पहला पार्ट है वेबसाइट, तो वेबसाइट इज ऑल्सो मार्केटिंग। आप वेबसाइट पर जब लैंड करा रहे हो तो उसी को देखते तो कन्विंस हो रहा है वो। इंट्रोडक्शन बेसिकली मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वेबसाइट, फर्स्ट किससे इंटरेक्ट कर रहा है वो, आपके बिजनेस से इंटरेक्ट आपकी इस वेबसाइट के थ्रू ही तो कर रहा है। वो अच्छी लगेगी तो आगे बढ़ेगा, मतलब वहीं से वापस, तो उसकी स्पीड पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब स्पीड डेस्कटॉप पे तो सबकी अच्छी हो जाती है क्योंकि ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड होता है, मोबाइल में अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मोबाइल तो 3G 4G पे चल रहा है और नेटवर्क आपको पता है कैसे आते हैं, तो नेटवर्क को ब्लेम नहीं कर सकते, यूज़र को ब्लेम नहीं कर सकते, भाई तू तो 2G यूज़ कर रहा है तो कैसे खुलेगी मेरी वेबसाइट, खुलनी चाहिए वरना वो कस्टमर गया। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, तो गूगल पहले देखते हैं कि किसकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, उसी को डेस्कटॉप में भी प्रेफरेंस देता है, ठीक है ना। गूगल में आज जो करोड़ों ऑडियंस है वो इसीलिए है क्योंकि वो सबको सेटिस्फाई करता है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए रोल हमारा भी, क्योंकि वेबसाइट तो हमारी पे आएंगे ना यूज़र। गूगल तो एक प्लेटफॉर्म है जो हमें दिखाता है, अल्टीमेटली लोग जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे, तो गूगल उन्हीं वेबसाइट को प्रेफरेंस देता है जो यूज़र को सेटिस्फाई करे, कंटेंट से भी, डिज़ाइन से भी, स्पीड से भी, स्ट्रक्चर से भी, सब चीज़ों से। तो आपको भी वेबसाइट किसके हिसाब से बनानी है, यूज़र, जो चीज़ यूज़र फ्रेंडली है वो गूगल फ्रेंडली है, जो गूगल फ्रेंडली है वो एसईओ फ्रेंडली है, सिंपल सी स्टोरी है। तो हर चीज़ यूज़र के हिसाब से बनाओ। आप भी किसी वेबसाइट में जाते हो जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा, अच्छी थोड़ा ना हुई, फिर नेविगेशन अच्छा नहीं है, लेआउट अच्छा नहीं है। अब बहुत सारे लोग कंटेंट पढ़ना प्रेफर नहीं करते, सीधा वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, वेबसाइट आई, फ़ोन नंबर दिखा, कॉल कर दिया, या सीधा फॉर्म दिखा, फॉर्म भर दिया, कॉल आ जाएगा अपने। ये चीज़ें आपने दी नहीं ऊपर, ढूंढेगा थोड़ा नीचे जाकर, कस्टमर के माइंड को रीड करना है आपने और उसके माइंड के हिसाब से सारी चीज़ें बनानी है, और अपने आप को कस्टमर की पोजीशन पर रख के सोचो कि अगर आप होते तो आपको क्या चाहिए था। मोबाइल में आपको पता है वैसे ही छोटा छोटा आता है, ठीक है ना, कौन पढ़ना प्रेफर करेगा। मेन मेन चीज़ें ऊपर दिखाओ, ठीक है ना, फॉर्म ऊपर होना चाहिए, फॉर्म ऊपर नहीं है तो बटन तो होना चाहिए ना, क्लिक करो, चाहे फॉर्म लास्ट में क्लिक करते वो अपना वेबसाइट आपको नीचे ले जाए। तो ये सब फीचर आपकी वेबसाइट में होने चाहिए, ठीक है ना। और क्या है कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी अपनी वेबसाइट में लगाई हैं जो मेरे टेम्पलेट में, मेरी थीम जो मैंने ली हुई है, जो मैंने डिज़ाइन गूगल से लिया है, डाउनलोड किया है, उसमें थी नहीं। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है कि बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। जैसे आपको मैं बात करूँ कि होम रेमेडी कहीं पे भी मिल जाती है ना, ठीक है ना, होम रेमेडी तो कहीं पे मिल जाती है, लेकिन दवाई बनाने का तरीका थोड़ा और जगह होता है। तो बेसिकली ये जो स्टैटिक वेबसाइट है ना, ये एक ऐसी मतलब मैं तो देखो 2012 से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत फ्री हो गया उसमें काम करते करते। जो चीज़ें होती हैं तो वो तो लगा ही लेते हैं, और जो चीज़ें नहीं होती उसको अरेंज भी कर लेता हूँ, तो वो चीज़ भी बताऊँगा मैं कैसे करता हूँ। बहुत सिंपल, दो ही चीज़ों का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, HTML का और CSS का, इन्हीं को यूज़ करके मैं पूरी साइट बना देंगे। CSS थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों के लेवल के हिसाब से लास्ट क्लास में कराऊंगा, अगर नहीं लगा कराना है छोड़ भी दूंगा, उसके बिना भी वेबसाइट बहुत अच्छी बनेगी। अब जब हम वेबसाइट का डिज़ाइन गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं, एक दो नहीं हज़ारों आते हैं, हज़ारों में से एक मुझे अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो इमेजेस थी, जो फॉन्ट था, जो स्ट्रक्चर था, लेआउट था, सब एकदम बहुत बढ़िया लगा, तभी तो अच्छी लग रही है। तो उसको ज़्यादा पंगे मत लो, उसको जैसा है ना उसको उसी कलर थीम में रहने दो, वैसी इमेजेस रिप्लेस करो सेम कलर, अदरवाइज ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे तो बेकार हो जाएगा। होती है ना कई चीज़ें, ज़्यादा पंगे लो तो ख़राब हो जाती है, जैसी है आपको वैसी तो अच्छी लगी थी तो क्यों बदला आपने उसको। तो जैसा ये देखो आपको दिखाता हूँ, जैसा ऊपर देखो लोगों में जो कलर है वही तो मैंने दिया कलर, वही कलर यहाँ दिया, उसी कलर का कंटेंट डाला, उसी कलर की इमेजेस डाली, तो तभी ये जो फ्रेम है ना आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर्स मैच्ड है। फिर मैं जब ये मेन्यू पे कर्सर लेके गया तो ये भी ऑरेंज, अगर ये ब्लू होता तो थोड़ा अच्छा लगता उतना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैच करनी पड़ती है तब एक चीज़ अच्छी होती है। अगर यहाँ पे मैं ये इमेज के कलर चेंज कर दूँ ना, आपको लगेगा क्या पेज है बेकार, कौन बोल रहा है अच्छा है। तो ये अच्छा इसलिए लग रहा है लेआउट से नहीं, कलर कॉम्बिनेशन से। कलर कॉम्बिनेशन बैठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। आपने देखा है ना कितने लोग कपड़े डालते हैं मैचिंग नहीं होती, तो आप कहते हो यार ये क्या अजीब सा डाल रखा है, लेकिन दूसरे के साथ डालेंगे तो अच्छा लगेगा,
तो वो मैच बिठाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सूदिंग होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, आइस को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा कुछ, तो इसलिए सारे कलर्स मैच किए हों। और देखो पहला डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, है ना कॉम्बिनेशन। दो डार्क एक साथ दे तो बेकार हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता दोनों ही गाढ़े गाढ़े कलर, अच्छा नहीं लगता देखने में। और दोनों वाइट होते तो ऐसा लगता कि एक ही बैकग्राउंड में दो चीज़ें डाली हुई हैं, इतना बड़ा हो जाता वो सेक्शन। तो ये चीज़ें क्या हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखो क्रिएटिविटी तो मेरे में नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता हूँ। ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्लोर करने के लिए आप अलग अलग साइट्स पे जाओ। मैं अपनी वेबसाइट बनाई तो पता नहीं कितनी साइट्स पे गया हूँ, ठीक है ना। अभी मैं सुबह ही पढ़ा था, वॉरेन बफे सुना है आपने, इन्वेस्टर जो है, ठीक है ना, वो कहता है कि मतलब एक जो लूज़र है विद अ प्लान कैन बी मोर सक्सेसफुल विद अ वाइज विदाउट अ प्लान। मतलब आप तो बहुत अच्छे वेबसाइट डिजाइनर हो लेकिन आपने कुछ स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरा लुक एंड फील कैसा होगा, आपने रिसर्च ही नहीं करी। तो मैं भी शुरू में क्या करता था, एक टेम्पलेट लिया, अच्छा लगा, शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो दो तीन चीज़ें तो अच्छी डल गई, आगे वाली कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे डालूं, फिर थीम चेंज, ठीक है ना। फिर एक आधी वो जो नहीं डल रही थी वो डल गई, आगे वाली फिर नहीं डाली, फिर थीम चेंज। तो पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, उसके हिसाब से थीम चूज करता हूँ, सारी चीज़ें आ जाती। तो हर चीज़ को प्लान करके करो तो चीज़ें बहुत ईजी हैं। दो घंटे में बनती है वेबसाइट, 20,000 वाली वेबसाइट भी दो घंटे में बनती है सर। 1,00,000 रुपये वाली वेबसाइट एक दिन में भी बना सकता हूँ, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस होना है वेबसाइट बनाना, बहुत सिंपल होता है। वर्डप्रेस ही बहुत सिंपल है। अगर आप मुझे बोलोगे ई कॉमर्स साइट बनानी, मुझे 100 प्रोडक्ट है, वो 100 प्रोडक्ट को बस एक्सेल में डाल के दे दो मुझे, वो एक्सेल अपलोड हो जाती है। अपलोड होंगे सारे प्रोडक्ट आ गए, इमेज भी अपलोड कर देंगे, इमेज भी आ जाएगी सारी, पेमेंट गेटवे भी लगा दूंगा, पेज भी डिज़ाइन कर दूंगा एक दिन हार्डली। अगर एक्सेल रेडी है तो, एक्सेल रेडी नहीं है तो जितना टाइम एक्सेल रेडी करने में लगेगा उसके प्लस 1 डे कर दो वेबसाइट बनाने में। तो बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट पर बेचने से पहले फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे बेचते हैं, और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे बेचते हैं तो एक्सेल तो रेडी होती है उनके पास, वो एक्सेल मुझे दे दो एक दिन में ले लो। पर एक दिन में मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि मैंने बोला 50,000, आप बोलोगे सर एक दिन की वेबसाइट बनाने के कौन 50,000 देता है, तो मैं बोलूँगा सर 1.5 महीना तो बनाऊँगा एक दिन में। ये है मार्केट सिनेरियो, ऐसा लोग करते ही हैं। अब ऐसा करते हैं तो 1.5 महीना तो आप लेट हो गए ना अपनी मार्केटिंग शुरू करने में, आप पीछे हो गए 1.5 महीना। आप बोलते हैं भाई जितने पैसे लेने ले ले, लेकिन ASAP एक हफ्ते के अंदर दे दे, ठीक है ना। और वेबसाइट एक ऐसा काम है कि आप पैसे दे के ऐसा सोचते हो कि बस मेरा काम ख़त्म, आपका काम भी शुरू तभी होता है। आपकी वेबसाइट आपका बिजनेस है, आप अपने हिसाब से बनवाओगे, वो अपने हिसाब से बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो उसने एक हफ्ता लगा के अच्छी बनाई थी अपने हिसाब से, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर आपने बोला सर कुछ और चेंज करो, सर आप बता दो, सर आप ही रिसर्च करके देख लो। मतलब जिस दिन आप वेबसाइट में पहला दिन दोगे ना, उस दिन से एक्चुअल वेबसाइट बननी स्टार्ट होगी। आपको ही रिसर्च करनी है उससे ज़्यादा, आपको ही कलर कॉम्बिनेशन बताने हैं, आपको इमेजेस बनवानी है अच्छी, वरना वेबसाइट बनानी तब तक शुरू नहीं होती, तब तक सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा होता। इंडिया की कंपनियां 1 साल का आपको वो दे देती हैं, 1 साल का पीरियड, कुछ भी चेंज कर देंगे हम। कुछ भी चेंज तो तब होगा ना जब वेबसाइट बन जाएगी, वो वेबसाइट ही साल के आखिरी 15 दिन में बननी शुरू होती है जब उनको पता कि टाइम ख़त्म होने वाला, फिर दिमाग खाते हैं उनका वो, ठीक है ना। ऐसा चलता है यहाँ सिनेरियो ना, बड़ा टेढ़ा है। बिजनेस तो शुरू सबको करना है लेकिन सीरियसली कोई लेता नहीं है उसको। तो वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने भी देखो शुरू में तो ऐसे ही शुरू किया था, ऐसी 3rd क्लास वेबसाइट। अगर वैसे सीरियस नोट पे होता तो मैं भी किसी को 15,000-10,000 रुपये दे के बनवाता बढ़िया, लेकिन मुझे लगता अच्छा हुआ। अगर मैं तब किसी और से बनवाता तो आज ना आपको पढ़ा रहा होता, ना कुछ चौथी वेबसाइट बनाई होती। क्योंकि हर बार जब लगता कि खर्चा होना है तो कॉल करता खर्चा, अब हर बार फ्री बन जाती है तो बनाते रहो। तो सीखने का एक बेनिफिट क्या है, हर बार वेबसाइट फ्री, खुद की तो बनाओगे। अब ये कोर्स कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी बहुत है इसके अंदर। वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में बैठ जाओ, वेबसाइट बना के कहीं पे भी टारगेट कर सकते हो, बिजनेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी वेबसाइट तो फर्स्ट फॉरमोस्ट आपको बनानी आनी चाहिए, वो आ जाएगी। और जब अपनी बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आ गया तो दूसरों की क्यों नहीं। और वेबसाइट में आप कभी भी देखना, वो
वो जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे ये वाला इफेक्ट बोलो, ये इफेक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, डेंटिस्ट भी यूज़ कर सकता है, फ्लिपकार्ट भी यूज़ कर सकता है। तो आपको एलिमेंट्स ऐसे सिखा दूंगा जो किसी भी चीज़ में काम आ जाते हैं। किसी भी चीज़ की वेबसाइट बनाओ, अब डेंटिस्ट की वेबसाइट बनाओ या हेयर ट्रांसप्लांट की, क्या फ़र्क है? कंटेंट और इमेजेस तो अलग हैं, एलिमेंट तो सेम ही यूज़ करेंगे दोनों। ये इफेक्ट वहाँ पे भी हो सकता है, फॉर्म उसके पास भी होगा, मेन्यू उसका भी होगा, लोगो उसका भी होगा, हेडर फुटर उसका भी होगा। तो एलिमेंट्स हमेशा सेम रहते हैं हर वेबसाइट में। जिसकी बना रहे हो आपके हिसाब से लेआउट होगा, सर की बनाओ तो सर के हिसाब से लेआउट होगा। सर का अलग बिजनेस है तो अलग इमेजेस अलग कंटेंट, आपका अलग है तो अलग बिजनेस अलग इमेजेस अलग कंटेंट, आपकी सर्विसेज अलग है तो मेन्यू में चेंज हो जाएगा, इनके अलग है तो मेन्यू में चेंज हो जाएगा, बिजनेस अलग है तो लोगो भी अलग अलग होगा, ठीक है ना? तो लुक एंड फील तो अपने आप चेंज होगी। अगर स्ट्रक्चर बना दूँ खाली, दो बिल्डिंग बना दी मैंने ढांचा ढांचा, एक जैसी तो लगेंगे, लेकिन जब उसके बाद इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, तो ही तो डिफरेंस आएगा ना। वो तो आप दोनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, एक्सटीरियर इंटीरियर, तो वेबसाइट आपकी सेम दिखेगी नहीं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर की जीरो वैल्यू, स्ट्रक्चर विद कंटेंट की वैल्यू। पूरी वेबसाइट को खाली कर दूँ क्या बचेगा? वाइट, फिर हेडर डालते हैं, फुटर डालते हैं, ये कंटेंट ही तो है सब, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। या देखो ये लुक एंड फील बहुत सिंपल है, इसको लेके आना। या देखो ये प्लस पे क्लिक किया खुल गया, माइनस पे क्लिक किया बंद हो गया, ये भी वही चीज़ है। तो इन सबको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो। चलो आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड को, इसमें थोड़े मैंने एलिमेंट्स कम यूज़ किए हैं। आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ अपना, जो मैंने अभी चेंज नहीं किया है। मेन मेन पेजेस मैं धीरे धीरे चेंज करता जा रहा हूँ। ये मेरा पुराना पेज था ये, अब ये जो था ना डेज आवर्स, देखा है ना नंबर कम होते हैं, काउंटडाउन बोलते हैं इसको, ये भी एक एलिमेंट है, फॉर्म भी एक एलिमेंट है। फिर ये प्लस माइनस वाला दिखा दिया मैंने आपको, ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये भी एक एलिमेंट है। फिर इस पर क्लिक किया तो चेंज हो रहा है, ये भी एक एलिमेंट है। फिर ये भी एक एलिमेंट है। फिर देखो यहाँ पे हूँ तो ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर चेंज हो गया, यहाँ पे जाऊँगा वापस ही आ गया, ये भी एक एलिमेंट है। इसको टैब्स बोलते हैं, टैब्स ऊपर देख रहे हो ना, टैब्स है ना ये, तो वैसे ये भी टैब्स होते हैं वेबसाइट के टैब्स। फिर ये वाला पार्ट आ गया। फिर देखो जो मैं एरो से कर रहा था वो डॉट से भी हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हर किसी की वेबसाइट में यूज़ होती है। अब देखो ये ज़िगज़ैग कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा लुक एंड फील को इम्प्रूव करता है। पर आप देख रहे हो ये ज़िगज़ैग पता है क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ऊपर का पॉइंट, अब देखो है ना डिफरेंस, नहीं अभी उतना तो नहीं है, मैंने मर्ज कर दिया इसको। अगर यहाँ पे कोई और कलर होता ना तो सिर्फ ये अलग से ट्रायंगल दिख रहे होते हैं आपको, क्योंकि ट्रायंगल का और नीचे वाले का कलर सेम है, और ऊपर वाले ट्रायंगल और ऊपर वाले का सेक्शन का कलर सेम है, इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। अगर यहाँ पे मैं कुछ और कलर कर दूँगा ना तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो बहुत ही और लगेगा। बस यही सब फीचर्स हैं। अब देखो ये भी एक फीचर है, यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर हो, यहाँ पे ऐसे आ गए। आपने साइड पे स्ट्रिप बना दी, वीडियो बार की हाँ, साइड में सिंगल पेज जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे क्लिक किया वापस ऊपर। तो मैं आपको जो स्टैटिक में साइड सिखाऊंगा वो सिंगल पेज ही सिखाऊंगा, मल्टीपल पेज हम बनाएंगे डायनेमिक में वर्डप्रेस पे, ठीक है ना? ठीक है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, मतलब इमेजेस और वीडियोस, टिपिकली आइडेंटिफाइड विद अ कॉमन डोमेन नेम, ठीक है ना? कोई भी वेबसाइट को खोलना है तो क्या पता होना चाहिए उसका? डोमेन नेम, ठीक है ना? एंड पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर, क्या होता है ये, ठीक है ना? अब जैसे क्या होता है कि वेबसाइट जब बन गई तो लाइव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक डोमेन और एक सर्वर, जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग क्या होता है? वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे बनाई, स्टैटिक वेबसाइट हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, डायनेमिक तो हम ऑनलाइन भी बना सकते हैं सीधा, ठीक है ना? तो वर्डप्रेस की बात करूँ तो ऑनलाइन भी बन सकती है वो सीधा, पर स्टैटिक बनती है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर होता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, हमारे अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई का मतलब ना यूज़र ना कोई सर्च इंजन, ठीक है ना? तो हमें अपनी वेबसाइट फाइल्स को कोई ऐसी जगह पर डालना है, किसी ऐसे कंप्यूटर पर डालना है जो जहाँ से कोई भी उसको एक्सेस कर पाए,
ठीक है ना। तो वो एक्सेस करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सर्वर्स बनाए हुए, वो सर्वर आपको लीज पे देते हैं। तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए आप उसको लीज पे ले सकते हो। और जैसे दुकान होती है, जैसे एक प्रोडक्ट बेचते हो तो छोटी दुकान, 10 बेचते हो तो और बड़ी, 50 बेचते हो तो और बड़ी। तो अपनी वेबसाइट जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी अपग्रेड कर सकते हो, पर शुरू में एकदम बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। 100 रुपये महीने से शुरू हो जाता है, 10,000 रुपये महीने तक जाता है, 1,00,000 रुपये महीने तक भी जाता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अमेजोन फ्लिपकार्ट तो नहीं लेते किसी से, उन्होंने तो अपना ही बना लिया होगा। और सोचो गूगल में दुनिया भर की कोई भी चीज़ सर्च करो सब आती है। अब जैसे गूगल का मैं पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ आपको कि गूगल में जब आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मेरी वेबसाइट आई, तो इसका मतलब क्या है कि मैं गूगल में कहीं ना कहीं हूँ सेव्ड, तभी तो आया। आपके कंप्यूटर में आप डालते हो ताना जी, होगी तो आएगी ना, नहीं होगी तो नहीं आएगी ना। तो गूगल में पहली बात तो वही डेटा गूगल दिखाता है जो उसके डेटाबेस में सेव है। मेरे कंप्यूटर में भी तो हार्ड डिस्क है, डेटाबेस ही तो है, वो जो वहाँ सेव होता है वही तो आता है ना सर्च करने पे। तो जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हो या फेसबुक में भी सर्च करते हो, फेसबुक में आपने डाला उदित खन्ना की जगह कुछ और डाल दिया जिस नाम से कोई प्रोफाइल ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? डिड नॉट फाइंड एनी। और उदित खन्ना डालूंगा तो बतेरी आ जाएगी जितनी भी होगी। तो डेटाबेस में जो होती है वो तो आता है ना, यहाँ पे कब आता है? जब सर्च करो। तो जो सर्च बार है ना किसी भी वेबसाइट का, वो कहाँ से कनेक्टेड है? डेटाबेस से। जब भी आप सर्च करते हो वो जाता है डेटाबेस में ढूंढने, जो मिलता है दिखा देता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस को समझो क्या होता है। डेटाबेस वेबसाइट के बैकएंड में होता है, और जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जितने भी लाखों करोड़ प्रोडक्ट है सब डेटाबेस में सेव है। आप कभी भी मेन्यू पर क्लिक करोगे तब भी कॉल हो जाएगा, और कभी भी सर्च बार पे क्लिक करके टाइप करके एंटर करोगे तब भी कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कहाँ सेव होती हैं? डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सेव करनी पड़ती हैं अपने ब्राउज़र वेब सर्वर पे, होस्टिंग पे। तो गूगल की बात कर रहा था मैं, तो गूगल के पास सर्च बार है और कुछ भी सर्च करो तो वो डेटा फेच करके आपको दिखाता है, और वो डेटा कहाँ से फेच करता है? डेटाबेस से। तो गूगल 200 कंट्रीज में चलता है और ऑलमोस्ट हर चीज़ उसके पास है, ठीक है ना। वर्ल्ड की जितनी भी साइट्स होंगी, कुछ इररेलीवेंट इलीगल कंटेंट जो देती हैं उसको छोड़ के, 0.001% छोड़ के, सब गूगल के अंदर मिलता है। और वो सब गूगल ने कहाँ सेव किया हुआ? अपने डेटाबेस में। तो गूगल का डेटाबेस सोचो कितना बड़ा होगा, और जितना बड़ा डेटाबेस होगा उतना बड़ा सर्वर चाहिए उसको। तो गूगल का जो सर्वर है ना उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब उसके पास ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, कितने TBs की, जहाँ पे हमारी वेबसाइट सेव्ड है। और जब कभी कभी देखते हो वेबसाइट खोलते हो और आता है सर्वर एरर या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है करप्ट हो जाती है। तो उसके बाद गूगल के पास हर चीज़ का बैकअप भी है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो उतना बड़ा, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। हम देंगे गिनती की 5-10 सर्विसेज तो हमें चाहिए छोटा स्पेस। फेसबुक के पास कितने प्रोफाइल हैं? हर प्रोफाइल का एक पेज है, और हर प्रोफाइल में कितनी इमेजेस डली हैं? अनगिनत। कितने वीडियोस डले हैं? अनगिनत। कितना बड़ा डेटाबेस है? यूट्यूब, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस तो यूट्यूब नहीं लगता, किसका है? यूट्यूब गूगल का, ठीक है ना। तो सोचो, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, यूट्यूब में शुरू से थोड़ा 1 सेकंड में इतने घंटे की वीडियो डल रहे थे, आज डल रहे हैं ना वो, तो और बढ़ेंगे आगे जाके। अब सबको यूट्यूबर बनने का भूत चढ़ा हुआ आजकल, क्योंकि सामने वाला पैसे कमा रहा है, सामने वाला दुबई बना रहा है, तो मुझे भी करना, ठीक है ना। सक्सेस सबको तो नहीं मिलती, लेकिन विद टाइम, देखो हर चीज़ में चाहिए कंसिस्टेंसी, पैशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, क्लास के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं तो फिर मुझे जोश नहीं आ पाता वीडियो में, खुद ही नहीं अच्छी लगती, दूसरे को क्या अच्छी लगेगी। तो एनर्जी होनी चाहिए वीडियो में, मतलब सामने वाला रात को भी बैठा होना एकदम अटेंटिव होकर सुने, वैसा जोश होना चाहिए आपकी वीडियो में। वो मिसिंग है तो आप कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यूजलेस, ठीक है ना। कपिल शर्मा के जोक्स के साथ एनर्जी भी होती है, तभी मज़ा आता है सुनने में, ठीक है ना। वो देखा वो जो आता है मोटू, वो अपने जोक्स में खुद भी हंसता है, उससे भी हंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक एंटरटेन करने का तरीका होता है, तो हर किसी का अपना अपना होता है। तो कुछ भी करने से पहले जब कभी भी मैं बोलता हूँ कि मैं जिस भी इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, या आप तो बहुत ही लेट आ रहे हो मुझसे भी, तो आप पहले लीडर मत बनो सीधा, पहले फॉलोअर बनो। एक अच्छा फॉलोअर ही अच्छा लीडर बन सकता है,
मानते हो ऐसा? अच्छा फॉलोअर ही अच्छा लीडर बन सकता है। अगर एक बंदा नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सारे ट्रेड्स आ जाएंगे उसमें, और कुछ तो उसमें अपना भी होगा, आगे चला जाएगा उससे। लेकिन जो सिर्फ अपने को ही फॉलो करेगा तो पॉसिबिलिटी कम है। तो लीडर बनना है तो पहले फॉलोअर बनो। तो जैसे अगर आप अपनी इंडस्ट्री में आए और आपको चाहिए कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो जो पहले अभी करंट मार्केट लीडर है उसको पूरा 100% एब्जॉर्ब कर। अब्जॉर्ब भी गलत वर्ड है, अब्जॉर्ब मतलब पूरा कॉपी कर, कॉपी नहीं करना, ऑब्जर्व करना, और उसकी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी वाली जो है वो ले लो। एब्जॉर्ब करना मतलब पूरा ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सेम बना दिया। डुप्लीकेसी कभी नहीं चलती। असली अमिताभ बच्चन और नकली अमिताभ बच्चन में फ़र्क दिखता है, और जो असली है वो अलग पता चलता है, नकली अलग पता चलता है, ठीक है ना। तो कभी भी डुप्लीकेट तो कभी करना ही नहीं। डिज़ाइन में डुप्लीकेसी भी पकड़ी जाती है, और कंटेंट की डुप्लीकेसी जो होती है वो गूगल पहले ही पकड़ के उन साइट को नीचे कर देता है। जिसने डाला डुप्लीकेट कंटेंट उसकी रैंक कभी आएगी नहीं, सीधी सी बात है। तो कंटेंट की बहुत वैल्यू, मैंने खुद कंटेंट राइटर रखी हुई है 35,000 रुपये महीना, वही मेरा कंटेंट लिखती है, अभी रखी है, महीना भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले बहुत फ्रीलांसर से लिखवा लिया। और क्या चाहिए सबको? 50 पैसे में। कोई बोलेगा 1 रुपया, मार्केट में तो 70 पैसे भी लिख रहे हैं। कोई 70 बोलेगा तो मार्केट में तो 40 पैसे भी लिख रहे हैं। तो आप जितना सस्ता करोगे ना, आप हो गए 4 साल लिखते हुए, आपको अब तो आप एक्सपेक्ट करोगे यार 50,000 रुपये महीना तो मेरे को कमाना चाहिए। 50,000 महीने का मतलब अगर 25 दिन काम करोगे तो 2,000 रुपये पर डे हो गया। तो 2,000 रुपये पर डे कमाना है और आपको कोई 50 पैसे देगा, तो अगर 1,000 वर्ड लिखोगे तो 500 ही तो कमाए, तो 4,000 लिखोगे तभी तो 2,000 का टारगेट पूरा होगा। और 4,000 लिखने के लिए आपने देना है तो 9-10 घंटे ही हैं, तो 9-10 घंटे में आप उसको कितना टाइम मिला? 2.5 घंटे। 1,000 वर्ड लिखने के लिए 2.5 घंटे बहुत कम है। क्या करोगे? कॉपी पेस्ट रिसर्च करोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर यही आपको कोई 2 रुपये पर वर्ड देता तो आप पूरा दिन दे देते उसको, क्योंकि 2,000 रुपये मिल जाते 1,000 लिखने से। तो पूरी रिसर्च करते, सब कुछ करते, तो ये नहीं सोचते लोग। बिजनेस के लिए वेबसाइट एक इन्वेस्टमेंट है, वेबसाइट के लिए कंटेंट एक इन्वेस्टमेंट है। आपकी वेबसाइट की तो कंटेंट है, कोई मैं लेके भाग रहा हूँ क्या उसको? थोड़ा ना कंटेंट राइटर लिख के वो उसका हो गया, आपने उसको पैसे दे दिए, आपका प्रॉपर्टी हो गई है, आपकी वेबसाइट में डल गई, और कोई भी उसको कॉपी पेस्ट करेगा तो उसके डुप्लीकेट मानी जाएगी उसकी साइड नीचे आपके ऊपर। तो कंटेंट को कभी लाइट मत लो। कभी कभी वेबसाइट 15,000 की बनेगी लेकिन 25,000 का कंटेंट डलेगा उसमें, तो वेबसाइट हो जाएगी 40,000। कोई भी वेबसाइट आपको बना देगा 10,000 में, 500 रुपये में, लेकिन विदाउट ढांचे का क्या करोगे विदाउट कंटेंट? ठीक है ना, 500 रुपये तो बहुत जगह लिखा होता, आज वो भी पढ़ के आए 500 रुपये में वेबसाइट बनवाएं, क्या डालेगा वो कंटेंट? कंटेंट के बिना वेबसाइट जीरो। मोबाइल फ्रेंडली होगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और 500 रुपये में वेबसाइट ले लो यार, मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगा, जो बनगी बनगी, जो ले लो आप ले लो। और 500 रुपये हो सकता है वो 1 पेज का होगा, ये भी तो हो सकता है ना, सिंगल पेज बनवा लो 500 रुपये में। उनके पास क्या बने पड़े होते, आप कंटेंट दो ना दो, वो किसी कॉम्पिटेटर की साइड कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सर ले लो 500 रुपये दे दो, आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का 500 तो नॉट बैड है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें लिखते हैं ना लोग अट्रैक्ट करने के लिए। मार्केटिंग का काम क्या है? आधा झूठ बोलना। मार्केटिंग का काम है आधा झूठ बोलना। कोई भी ऐड देख लेना, आधा झूठ ही होती है, पूरी सच कभी हो ही नहीं सकती। ऐड ऐड का मतलब है अट्रैक्ट करना, सच बता के अट्रैक्ट कब हुआ है कोई? झूठ तो बोलना पड़ता है। अभी मैंने एक स्टूडेंट किसी सेमिनार में क्या कह रहा, वो बोल रहा था कि मैंने एक ब्लॉग बनाया और एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने इसे 1 करोड़ कमा लिया। मैंने कहा 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख्स और 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो मतलब एक आर्टिकल में ऐसे क्या उसने फूंक दिया जो 1 करोड़ रुपये कमा लिए? तो ये ऑडियंस को पागल बनाते हैं और ऑडियंस बन भी जाती है। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट दिखा देंगे तो हमें लगता है कि 1% भी हमने कर लिया तो बहुत है, पर वो झूठ बोला ना इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है ना। तो झूठ बोल रहे हैं तभी तो लोग आगे कन्वर्ट हो रहे हैं उसके पास। सबको वही बनना, सबको वॉरेन बुफे बनना। इनकम है नहीं, इन्वेस्टमेंट जीरो है, वॉरेन बुफे तो इन्वेस्टमेंट से बना बड़ा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का किंग बोल सकते हो आप उसको। अभी वो पीछे आ रहा, अभी आज ही पढ़ा मैंने, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ ना तो हर सोशल मीडिया क्या करता है जिस इन्फॉर्मेशन में आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, जिसमें ज़्यादा एंगेज रहते हो ना, वैसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है। तो मैं ऐसी कोटेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पढ़ता हूँ तो भर भर के वही आती है, जो फोटोज वीडियोज में ज़्यादा एंगेज होता है उसको वही दिखती है। तो मुझे ये वॉरेन बफे और अट्रैक्टिव, ये मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं जो एजुकेशनल होती है। तो उन्होंने इसने कोको कोला में कुछ इन्वेस्ट किया होता, कोको कोला ने इस बार अनाउंस किया कि अपने इन्वेस्टर्स को 0.4% की जगह पर डिविडेंड 0.41 देंगे,
और 0.41 देने से वॉरेन बुफे का $40 लाख बढ़ गया सीधा। 40 लाख से पहले उसको पता कितना मिल रहा था? 16 करोड़। अब 16 करोड़ 40 लाख डिविडेंड हो गया उसका, डॉलर है ये डिविडेंड। मतलब कोको कोला कितना कमाता है आप सोच रहे हो? डिविडेंड में सीधा वॉरेन बुफे को तो इतना बांट दिया उसने। तो 0.4 और 0.41 से इतना फर्क आ गया, 16 करोड़ से अब 16 करोड़ 40 लाख डॉलर उसको डिविडेंड आएगा सिर्फ कोको कोला से। ऐसी पता नहीं कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा होगा उसने। अब ये इतना बड़ा नंबर है, रियलिटी तो नहीं लगती इतना बड़ा नंबर, लेकिन मार्केटिंग में ऐसे नंबर ही चलते हैं। जहाँ पे नंबर दिखते हैं वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हो। कोई भी इंस्टीट्यूट दिखाएगा कि मैंने 5,000 बच्चे पढ़ा दिए, 4,000 प्लेस करा दिए, आपको क्या अच्छा है? सब सही है। आप भी इंस्टीट्यूट खोल लेना कोर्स करने के बाद, आप भी यही लिखोगे, ऐसे ही लिखते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने ऐसे देखे, अभी नए नए खोले हैं और 3500 बच्चे तो पहले दिन से प्लेस हैं उनके पास। जैसे वो पिंक में नहीं बोलता अमिताभ बच्चन कि आप 10 मिनट में यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए, तो आपने 132 की स्पीड से गाड़ी स्टार्ट करी तो उनकी भी 5,000 बच्चों से तो गाड़ी स्टार्ट ही होती है। 0 बच्चों में भी 5,000 बच्चे पढ़ा दिए, 4500 प्लेस भी करा दिए। ये है मार्केटिंग, ऐसे ही चलता है। अब नया आप बिजनेस खोलोगे तो क्लाइंट सेक्शन नहीं बनाओगे क्या? बनाओगे। टेस्टिमोनियल्स फीडबैक नहीं बनाओगे? बनाओगे, बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ये ऐसी दुनिया है, जो नहीं दिखाएगा ना वो पीछे रह जाएगा, वो आउट हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो डोमेन और होस्टिंग की अलग से क्लास होगी, फिर डिटेल में बताऊंगा। तो अभी वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या चाहिए? एक डोमेन और एक होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट। एक ऐसी जगह, एक ऐसा कंप्यूटर जो 24/7 ऑन रहता है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो या ऑडियंस हो, ठीक है ना। कैसे एक्सेस कर सकता है? वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है, विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते, ठीक है। वेबसाइट्स कैन हैव मेनी फंक्शंस, अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, पर्सनल वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, अलग अलग पर्पज़ के लिए होती है। जैसे एंटरटेनमेंट वेबसाइट hotstar.com, amazon prime, prime.com, primevideo.com, फिर आपका सोशल नेटवर्किंग फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड एजुकेशन, न्यूज़ वाली साइट्स को आपको पता ही है। एजुकेशन साइट्स कौन सी हैं? यूट्यूब भी एक एजुकेशन साइट है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो। एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है उसमें तो, ठीक है ना। ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, उसी के अंदर ही उसी के पार्ट्स हैं सारी वेबसाइट्स, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, छोड़ देते हैं। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ वेबसाइट। पहली फॉर्म क्या है? स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रोशर है, ब्रोशर इज अ स्टैटिक, जब भी उठा के देख लो सेम इंफॉर्मेशन, थोड़ा कंटेंट चेंज हो जाएगा उसका, थोड़ा मेरा लोगो चेंज हो जाएगा, फोटो जो लगी है वही रहेगी, जितने पेजेस हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है ना। जो जिस ऑर्डर में है वैसे ही रहेगा, आगे पीछे भी नहीं हो सकता, सब वैसे का वैसे, उसको बोलते हैं स्टैटिक। HTML वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि सर ने एक स्टैटिक वेबसाइट मुझसे बनवा ली, सर को तो HTML आता नहीं जो चेंज करते रहेंगे, तो हम पांचों में से जो भी जब भी जाएगा वही सेम इन्फॉर्मेशन, वही सेम ऑर्डर, वही सेम पेजेस, तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक, जब भी जाओ सेम, कोई चेंज नहीं होता। और चेंज होगा तो कौन करेगा? मुझसे ही बोलेंगे सर एक पेज ऐड कर दो, ठीक है ना, इसमें कंटेंट चेंज कर दो, इसमें इमेज चेंज कर दो। तो लॉन्ग रन में चेंजेस होते हैं जिस वेबसाइट पे या नहीं होते, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो फिर भी स्टैटिक हो। अब सर ने डायनेमिक वेबसाइट बनाई है लेकिन ज़रूरत ही नहीं है इनको चेंज करने की, क्यों करें चेंज? ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने कोई नई सर्विस ऐड ही नहीं करी तो क्यों बनाए नया पेज? इनका बढ़िया चल रहा बिजनेस तो क्यों चेंज करें फोटो और कंटेंट को? ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो कई वेबसाइट डायनेमिक होती है लेकिन क्योंकि कंटेंट चेंज नहीं हो रहा तो आप बोलते हो स्टैटिक, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट को स्टैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंटेंट लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है? स्टैटिक, सेम, स्टैग्नेंट रहता है। और डायनेमिक को डायनेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायनेमिकली चेंज होता रहता है। डायनेमिकली कैसे? जैसे कोई न्यूज़ वेबसाइट है, रोज़ के 200 आर्टिकल्स डालेंगे और 200 आर्टिकल कहाँ आते हैं? न्यूज़ के पेज पे, होम पेज पे, किसी भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में जाते हो, रिसेंट इन्फॉर्मेशन ही तो टॉप पे आती है। और कोई एग्जांपल, मूवीज पे जाते हो, लेटेस्ट रिलीज ही तो ऊपर आती है या सबसे लास्ट में आती है? सबसे ऊपर आती है। और डायनेमिक वेबसाइट को डायनेमिक क्यों बोलते हैं? एक रीज़न और है उसका। जैसे आप बुक माई शो पे जाते हो, बुक माई शो पे सबसे पहले पूछते हैं कि दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा, ऐसा दिल्ली NCR लिया, फिर दिल्ली ले लिया। अब दिल्ली में आपसे पूछता है आपकी लोकेशन, आपने जैसे ही उसको अलाउ किया वो समझ जाएगा आगे विकासपुरी में हो, सबसे पहले ये सीने पॉलिसी दिखाएगा,
दिल्ली में सबसे पहले ये सीन पॉलिश दिखाएगा, फिर वो PVR दिखाएगा, फिर आसपास के, फिर दूर दूर के। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया वेबसाइट को उसने, डायनेमिकली चेंज कर दिया कंटेंट। स्विगी में जो एड्रेस आपका ऊपर चूज हुआ हुआ है, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो उसी एड्रेस के लोकेशन आएंगे, वो रेस्टोरेंट आएंगे नीचे, देख लेना कभी भी, ठीक है ना। तो क्या है ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है ना आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जो वेबसाइट प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट कस्टमाइज करती है वो डायनेमिक होती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से 2-3 दिन पहले कुछ देखा, खरीदा नहीं, बैट क्रिकेट किट वगैरह देख रहे थे, आज जब दोबारा गए तो आज जीन्स वगैरह देख रहे हो लेकिन पेज के नीचे आ रहे हैं रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स, आता है कुछ ऐसा, वहीं पे वही आ रहा है क्रिकेट किट। तो क्या है, कस्टमाइज तो हो गया ना, पुरानी आपको चीज़ें दिखा रहा है, ये भी डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, डायनेमिक वेबसाइट, जहाँ पे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट हर बार आपको अलग मिलेगा। गूगल डायनेमिक है कि स्टैटिक है? डायनेमिक है, जैसा कीवर्ड वैसा कंटेंट, यूट्यूब जैसा आप सर्च करोगे वैसे वीडियो, और जैसे वीडियो वैसे रिलेटेड वीडियोस दिखा रहा ना आपकी प्रेफरेंस क्या था। आजकल देखो ये जो gaana.com विंक है, आप एक गाना चला दो उसके बाद रिलेटेड सॉन्ग्स अपने आप ही कंटिन्यू होते रहते हैं आगे। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया पीछे, ऐसा कुछ एल्गोरिदम बना दिया है कि वो देखो हर गाने की, आप कभी गेट इन्फो पे गए हो, विंक है किसी के पास विंक, हर सॉन्ग का ना गेट इन्फो होता है, सिंगर का नाम, एल्बम का नाम, उसका जो रोमांस है, वो एनर्जी बूस्टर है, जिम वाले सॉन्ग्स हैं, ऐसा वो जेनर भी होता है। तो हर चीज़ जब इतनी सारी दोगे, तो जब आपने एक सॉन्ग चलाया तो उसमें अरिजीत सिंह का वो था, आयुष्मान खुराना भी था, फिर वो जेनर था पार्टी सॉन्ग, फिर वो कुछ कुछ चीज़ें थी उससे मिलती जुलती चीज़ें अपना ढूंढ लेता। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है ना डायनेमिक, जो चीज़ें अपने आप ही सर्च कर ले और अपने आप ही कर दे, ठीक है ना। तो ये भी प्लेटफॉर्म क्या है, डायनेमिक प्लेटफॉर्म, अपने आप ही आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से और सॉन्ग ढूंढ रहे हैं और आपको सुनाया जा रहा है और आपको भी लग रहा है कि बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक मतलब जैसे रेडियो में होता है ना कभी, एक सारे वो 90s वाले सॉन्ग चल रहे होते हैं, मज़ा आता है ना सुनने में, वैसे आपने एक 90 का चलाया तो वो सारे 90 के चला रहे और सारे वो लव सॉन्ग ही चला रहे। तो ऐसा ये ऐप्स के अंदर भी फीचर आ गया आज का। तो पहले क्या होता था, जो सॉन्ग चूज करके लिस्ट बनाओगे वही चलेंगे, अभी क्या है एक सॉन्ग भी क्लिक करोगे बाकी अपना चलते, वरना क्या होता एक सॉन्ग के बाद चुप हो जाता था, फिर प्ले करो या और सॉन्ग ऐड करो, आज बाकी सॉन्ग अपने आप ऐड हो जाते हैं। अब ये विंक में अभी थोड़े दिन पहले ही आया, उससे पहले किसी और ने स्पॉटिफाई ने डाला था, ये स्पॉटिफाई है ना गाने वाला, उसने उससे में भी शायद ये कॉपी किया, पहले नहीं था ये, ठीक है ना। तो वही है, ऑब्जर्व करते हैं ना ये बड़े लोग भी करते हैं ना फॉलो, मार्केटिंग में यही तो काम मेन है। हम सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप जो करोगे हम पाँचों नहीं करेंगे क्या, जो मैं करूँगा आप नहीं करोगे? तो हर कोई किसी को फॉलो करता है क्योंकि हर कोई एक लेवल पे रहना चाहता है, एक लेवल ऊपर ही। तो एक लेवल ऊपर तो हम सोच लेंगे लेकिन बाकी लेवल तो कॉपी करेंगे ना दूसरे से। तो इसलिए लीडर बनना तो फॉलोअर बन जाओ अच्छा, रोज कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाओगे क्या कर रहा है, ऑफलाइन में तो नहीं कर सकते ना, अपने कॉम्पिटिटर की दुकान में कैसे जाओगे, रेट कैसे पूछोगे, कैसे उसकी कलेक्शन पता चलेगी, ऑनलाइन में सब पता, पूरी ट्रांसपेरेंसी 100%, यही तो एडवांटेज है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन सी हुई, जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती, जब भी जाओ सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेम ऑर्डर, सेम सब कुछ, ठीक है ना। और बोलने में तो वो HTML वेबसाइट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ कंट्रीब्यूशन कौन देता है, अब दिखाता हूँ CSS की वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको ऑफलाइन मोड में, दिस इज माई वेबसाइट ETI न्यू, और मैं इसका आपको एक पेज, ये नहीं है एक्चुअली मेरी वेबसाइट, ये वाली है न्यू ETI, चलो ये एक पेज खोल लिया, ठीक है, ठीक है सब, लुक एंड फील ठीक है, बैकग्राउंड कलर, इमेजेस, सब कुछ आ रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं होम पेज पे आ जाओ। अच्छा होम पेज पे आ गए तो ये होम पेज, ठीक है होम पेज लुक एंड फील आ रहा है ये वाला, ठीक है। एक चीज़ मिसिंग आ रही है, ऊपर इमेज नहीं आ रही, अरे जी ना देखो पहले ये पीछे कलर जो आ रहा था ये यहाँ नहीं आ रहा, और कलर आ रहा था तो वाइट दिख रहा था, अभी कलर नहीं आ रहा तो वाइट में वाइट मर्ज हो गया, लेकिन कंटेंट है अभी भी यहाँ पे, देखो दिख रहा है कंटेंट, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट मर्ज हो गया इसलिए दिख नहीं रहा। चलो अब मैं
एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने खोली है ना फाइल, यहाँ से खोली है, अब इन ये सारे कौन से पेजेस हैं, सारे HTML पेजेस। तो मेरी वेबसाइट क्या है, HTML स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन क्योंकि मुझे HTML आता है तो मैं तो रोज़ चेंज करता रहता हूँ, पर जिसको नहीं आता उसके लिए बात कर रहा था मैं। तो चेंजेस कौन करता है, जिसके बाद स्किल सेट हो HTML का और जिसको एडिटिंग करनी आती हो वही कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे पेजेस के अलावा यहाँ पे और भी कुछ फोल्डर हैं, जिसमें एक फोल्डर कौन सा है और दूसरा इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा है, इमेजेस भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वेबसाइट का। अगर मैं इमेजेस को पहले हटा के दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड, इमेजेस ऑलरेडी है यहाँ पे इसलिए वो ले नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो मैं इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ बिफोर द टाइम बीइंग, डन है। और अब मैं यहाँ पे आके इसको खोल दूँ, सारी इमेजेस गायब हो जाएंगी, पीछे की इमेज गायब, ये दो आ रही थी ये गायब, मेरा लोगो गायब, वीडियो तो आएगी क्योंकि इमेज नहीं है, ये मेरी इमेज गायब, ये देखो तो इमेजेस के फोल्डर में ही था ये इमेज गायब। अब ये जैसे ही वापस डालते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं सब आ जाएगा। ये तो था इमेज का पार्ट। अब इमेज के अलावा दूसरा पार्ट कौन सा बोला, इसको बाहर कर दिया। अब इसको बाहर करने से अब ज़्यादा डेंजरस दिखेगा पेज, ठीक है ना। तो HTML वेबसाइट में HTML की तो कोई वैल्यू नहीं है, HTML में तो ऐसा दिखता है पेज, और बीच में इमेजेस हटा दो तो ये सब भी उड़ जाएगा, सिर्फ एक लाइन में कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी दोबारा डाल देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो CSS की वैल्यू बहुत है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक, CSS के बिना सब जीरो, इमेजेस के बिना भी लुक एंड फील नहीं है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं CSS, ठीक है। इमेजेस आर कॉमनली यूज टू अफेक्ट द डिजायर्ड अपीयरेंस, लुक एंड फील के लिए इमेजेस भी डालते हैं, ऑडियो और वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस, जैसे मैंने बोला ना कि अगर मेन्यू में कुछ ऐड करना है तो सारे पेजेस में ऐड करना पड़ेगा, लोगो चेंज करना है तो सारे पेजेस में चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करना है तो एक एक पेज पर इंडिविजुअली जाके करना पड़ता है, ये इसमें टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस टू एडिट द टेक्स्ट फोटोज एंड अदर कंटेंट एंड मे रिक्वायर बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट यूजली डिस्प्ले द सेम इन्फॉर्मेशन टू ऑल द विजिटर, ऑल द विजिटर। जैसे आप बुक माई शो पे गए तो आपने दिल्ली में, दिल्ली NCR में दिल्ली लिया, मैंने नोएडा लिया तो चेंज हो गई, और मेरी लोकेशन उस टाइम कुछ और थी, आपकी कुछ और थी, तो अलग अलग थिएटर आए, ठीक है ना। तो स्टैटिक में ऐसा नहीं होता, कोई कहीं से भी खोले सेम ही दिखेगा उसको, पर डायनेमिक में यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो मतलब एक ही यूजर को, मतलब अलग अलग यूजर को सेम साइट पे सेम टाइम में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे गए थे, आप भी फ्लिपकार्ट पे गए थे, आप कुछ और देख रहे थे, आप कुछ और देख रहे थे, जब आप दोबारा दो तीन दिन के बाद जाओगे तो आपको वही दिखेगा जो आप देख रहे थे, आपको वही दिखेगा जो आप देख रहे थे, चाहे आज आज आप दोनों सेम पेज पे हो, आज आप डिजिटल मार्केटिंग की बुक के पेज पे हो, लेकिन आपको वो दिखेंगे प्रोडक्ट जो आप देख रहे थे, आपको वो जो आप देख रहे थे। तो सेम पेज पे सेम टाइम पे सेम डे पे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो यूजर के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है कंटेंट। सिमिलर टू हैंडिंग आउट अ प्रिंटेड ब्रोशर टू कस्टमर्स और क्लाइंट्स, अ स्टैटिक वेबसाइट विल जनरली प्रोवाइड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब काफ़ी टाइम तक चेंजेस नहीं करते लोग, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। हर बार आपको डिजाइनर की हेल्प लेनी पड़ती है तो आप नहीं करते उसको। और ऑन द अदर हैंड डायनेमिक वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताई दिया, ठीक है ना, डायनेमिक वेबसाइट जो यूज़र के हिसाब से कंटेंट चेंज करती है, और जैसे मैंने बोला गूगल एक डायनेमिक वेबसाइट है, तो स्टैटिक और डायनेमिक में जो मेन डिफरेंस है आप समझाता हूँ आपको यहाँ से। स्टैटिक और डायनेमिक का सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ, डेटाबेस। स्टैटिक और डायनेमिक का जो मेन है ना डेटाबेस, उसी से उसी को पकड़ के मैं आपको नीचे की चारों चीज़ें समझाता हूँ। तो डेटाबेस जो है डायनेमिक में मैंने टिक मारा हुआ होता है, और स्टैटिक में मेरी वेबसाइट स्टैटिक है, कोई डेटाबेस नहीं। डायनेमिक पता क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट में अगर आप 10,000 पेजेस भी बनाओगे ना तो पेजेस ना ऐसे दिखते नहीं है कभी भी। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये पेजेस,
ऐसे पेजेस दिखते नहीं हैं, फिजिकली आप लोकेट नहीं कर सकते उनको, कहाँ सेव होते हैं डेटाबेस में। स्टैटिक में डेटाबेस नहीं होता तो सारे पेजेस ऐसे दिखते हैं, और क्योंकि डायनेमिक में डेटाबेस होता है तो जो भी पेज आप बनाते जाओगे ऑटोमेटिकली कहाँ स्टोर हो जाएगा। तो स्टैटिक और डायनेमिक का सबसे पहले डिफरेंस क्या है, डेटाबेस। जिस साइट में डेटाबेस होता है उसमें पहला फीचर कौन सा आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर डेटाबेस है, जैसे गूगल में डेटाबेस है तो गूगल ने कौन सा फीचर दिया हुआ है जिससे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन फेच हो जाती है, सर्च बार। तो जहाँ जिस वेबसाइट में सर्च बार है उसमें डेटाबेस भी है, और जहाँ डेटाबेस है वो डायनेमिक है, सिंपल हो गया। जिस साइट में सर्च बार है और वो काम कर रहा है, कई लोग दिखाने के लिए डाल देते हैं, लुक अच्छी होती है उससे, जिसमें सर्च बार है आपने कीवर्ड डाला और वो रिजल्ट भी वैसे दिखा रहा है, इसका मतलब वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, और जहाँ डेटाबेस है वो डायनेमिक है। पहली पहचान स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस की, कि कैसे पहचानोगे कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान है कि स्टैटिक के पेजेस जो होते हैं वो आखिरी में लिखा होता है डॉट एचटी में, तो उसे पता चल जाता है ये स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक में नहीं लिखा होता डॉट एचटी में। डॉट एचटी में चाहे कुछ भी हो डायनेमिक है, लेकिन डॉट एचटी में तो स्टैटिक है। अब वो कुछ भी में डॉट पी एच पी स्लैश भी हो सकता है, डॉट ए एस पी ए एस पी एक्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना याद रखो डॉट एच टी एम एल है तो स्टैटिक है, उसके अलावा कुछ भी है तो डायनेमिक है, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट जैसे मैंने खोली है तो आप देख सकते हो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट खोली हुई है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, डायनेमिक है। अब डायनेमिक है तो साथ में एक चीज़ और दिखा दूँ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्च बार है ना, और सर्च बार हुआ तो मतलब डेटाबेस, डेटाबेस है तो मतलब डायनेमिक। अगली वेबसाइट स्लैश विड दिखा ना स्लैश, इससे कंफर्म हो गया कि डायनेमिक है। अब ज़रूरी नहीं है इसको सर्च बार की ज़रूरत हो तो इसे नहीं दिया हुआ, हो सकता है दिया भी हुआ है, नहीं नहीं दिया हुआ, ये क्या है, ये तो मेन्यू आ रहा है, सर्च बार नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्टिल URL स्ट्रक्चर से भी बता सकते हो कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है, इसको क्या बोलेंगे URL स्ट्रक्चर। अगला देखो स्टैटिक है कि डायनेमिक, डायनेमिक देखते हैं सर्च बार है कि नहीं, दिख रहा है सर्च, इंटरनेट स्लो है खुलेगा, डायनेमिक है वो, ये क्या है फिर डायनेमिक, जहाँ डॉट एच टी एम दिखेगा वो स्टैटिक, बाकी सब डायनेमिक, तो ये भी डायनेमिक है। सर्च बार है, दिख रहा है कि सर्च बार नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन यूआरएल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, डायनेमिक है। डॉट एच टी एम एल स्टैटिक है कि डायनेमिक, अच्छा ठीक है सही है, आपने स्टैटिक बोला ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज ट्विस्ट दिखाता हूँ, ट्विस्ट मैंने अभी बोला कि अगर मुझे मेरी स्टैटिक वेबसाइट हुई तो मुझे अगर मेन्यू में कुछ भी ऐड करना है या लोगो चेंज करना है तो एक एक पेज में जाके मैन्युअली करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी देखेगा कि यार ये सब इतनी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पेजेस की साइट बनाएगा, कम से कम की बनाएगा 15-20 मैक्सिमम, और अगर 50-100 उससे भी ज़्यादा होंगे तो वो क्या प्रेफर करेगा, डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर डॉट एचटीएमएल और सर्च बार भी नहीं दिख रहा, तो अगर मैं इस वेबसाइट के नंबर ऑफ पेजेस देख लूँ तो आइडिया हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पेजेस दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। तो ये वेबसाइट का एड्रेस कॉपी किया गए, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइट कॉलन साइट का नाम, एंटर। इस साइट के जितने पेजेस गूगल के डेटाबेस में स्टोर हैं कितने हैं, क्या लगता है स्टैटिक की डायनेमिक, डायनेमिक। तो नंबर ऑफ पेजेस से भी कभी कभी आइडिया लगा सकते हो कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है, 6500 पेजेस की वेबसाइट स्टैटिक कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि डॉट एच टी एम एल लिखे होने के बाद भी वो डायनेमिक हो सकती है, लेकिन वो फिर किससे पता चला, नंबर ऑफ पेजेस से, क्योंकि यूआरएल स्ट्रक्चर तो सपोर्ट कर नहीं रहा यहाँ पे हमें। साइट नहीं, मैंने तो गूगल खोला, मैंने यहाँ लिखा है साइट, और कोई भी वेबसाइट डाल दो उठा के जिसके नंबर ऑफ पेजेस आप चेक कर रहे हैं, फेसबुक डाल दो, google.com डाल दो, गूगल के पेजेस आ जाएंगे। देखो चलो अब अगली वेबसाइट, अब ये वेबसाइट तो डायनेमिक निकली, लेकिन URL क्या है इसका, स्टैटिक है, ठीक है ना। तो कई वेबसाइट में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है जिससे आप URL को मॉडिफाई कर सकते हो,
इसको ऊपर जो आता है ना एड्रेस बार में, इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म किसको नहीं पता, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक ही तो होता है ना। ये जो आगे वाली चीज़ है ये 10 लोगों की सेम हो सकती है ये, लेकिन डोमेन कभी किसी का सेम नहीं हो सकता, तो ये ओवरऑल तो यूनिक ही हो गया ना फिर, तो यूनिक रिसोर्स लोकेटर बोल सकते हैं, लेकिन बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये पूरी वेबसाइट है डायनेमिक। पर 65 पेजेस भी तो दिखा दिए ना मैंने, तो उससे तो स्टैटिक नहीं हो सकती, तो वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है चलो, अगली, ये तो डायनेमिक है, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगली क्या है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा तब भी डायनेमिक ही है, सर्च बार भी तो है ना, तो डायनेमिक हो गई, सर्च बार है डायनेमिक हो गई, स्लैश भी है तो डायनेमिक हो गई। अब देखो यहाँ पे सर्च बार भी है और स्लैश भी है, डायनेमिक हो गई, स्लैश सर्च बार नहीं है लेकिन स्लैश तो है ना। ठीक है, तसल्ली करनी है तो नंबर ऑफ पेजेस भी देख सकते हो, इसकी भी दिखा देता हूँ आपको। गूगल में जाके वो साइट का नाम हटाया मैंने और ये डाल दिया, एंटर 69। स्टैटिक है कि डायनेमिक हुई, योर स्ट्रक्चर तो डायनेमिक ही बता रहा है। अब क्या होता है, हाँ जो डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं हम, उसका फर्स्ट पेज तो स्टैटिक हो ही सकता है ना, जो इंडेक्स पेज है हो सकता है, क्योंकि अगर जो हमने पहले जो वेबसाइट देखी थी उसी की वजह से डॉट एचटीएमएल वाली, डॉट एचटीएमएल जहाँ लिखा हुआ था, ये भी हो सकता है कि उसने, पर वो मैंने जो भी वेबसाइट खोली है ना, किसी का भी होम पेज नहीं खुला, वो इनर पेज ही था वो, देखो ना यही तो थी, इनर ही तो है ना, ये इनर पेज ही उसका डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ। ये मैं चेक कर रहा था, पेजेस तो 69 ही है इसके अंदर, लेकिन 69 भी स्टैटिक में कौन बनाता है। और इस चीज़ में एक चीज़ एक्चुअली में मिसिंग लग रही है मुझे, वो है सर्च बार, क्योंकि जहाँ पे आपने ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट का इंफॉर्मेटिव सेक्शन, जैसे मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की या सर्विसेज की बात करती है, तो मैंने साथ में एक ब्लॉग बना दिया जहाँ पे मैं, देखो आपने कोर्स करना है लेकिन कोर्स के अलावा आप कोर्स करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके माइंड में, स्कोप क्या है एंटरप्रेन्योर के लिए, प्रोफेशनल के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, करियर्स क्या है, सैलरी क्या है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में है कोर्स ज्वाइन करने से पहले, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट में डाल दिए। अब मैं उसको भी प्रमोट करता हूँ, और जब भी आप गूगल में जाकर वो क्वेश्चन डालोगे, अपनी क्वेरी डालोगे, तो मेरे आर्टिकल्स आ जाएंगे और उन आर्टिकल्स के थ्रू आप मेरी वेबसाइट में आ जाओगे। तो दो टाइप की ऑडियंस होती है, जो तो डायरेक्टली कोर्स करना चाहती है और एक जो अभी इंफॉर्मेशन सर्च कर रही है, तो दोनों को मैं अपनी वेबसाइट में ला सकता हूँ अगर मेरी वेबसाइट में ब्लॉग भी है तो। अब ब्लॉग का बेसिक नेचर क्या होता है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा कहाँ आती है, टॉप पे, रिसेंट इन्फॉर्मेशन मतलब लेटेस्ट ब्लॉग हमेशा कहाँ आता है, ऊपर ही तो आएगा ना, तो रिसेंट तो ऊपर आ गया तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैं आपके ब्लॉग में आके कैसे लोकेट करूँगा, सर्च बार, तो सर्च बार नहीं है तो कर नहीं पाऊंगा। आप कभी ई कॉमर्स में जाते हो, आज तक आपने कैटेगरी पे क्लिक करके गए हो या सीधा सर्च किया, या तो आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल वही पेज दिखाता है, फिर उसके बाद आपको कुछ चाहिए होता है तभी तो ऊपर सर्च बार यूज़ करते हो ना, और ना कैटेगरी में जाके सब कैटेगरी में जाके फिर कैटेगरी में जाते हो, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए सबसे कन्वीनियंट चीज़ क्या है, सर्च बार। और ब्लॉग में भी अगर कोई ढूंढना है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो क्या करेंगे, सर्च बार। यूट्यूब में कोई भी पर्टिकुलर नुस्खा ढूंढना और कुछ भी ढूंढना हो सर्च करते हो ना, यूट्यूब में तो आपको पता है कैटेगरीज है भी नहीं, आती कहाँ, हर चीज़ वो कहता है सर्च कर लो आप, दिखा देगा, तो उससे हमने सर्च बार को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। अब आ गई है कैटेगरीज, ठीक है मैंने देखा नहीं है, वरना अभी तक तो चलो यूट्यूब सर्च पे ही चल रहा था ना। तो जो भी इंफॉर्मेटिव साइट होती है उस पे देखो, इंफॉर्मेटिव साइट पे हम आर्टिकल्स डालते हैं, और आर्टिकल हमेशा किस पे लिखे जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे या क्वेरीज पे, डिपेंड करता है क्या, अगर जैसे क्वेरी कोई ट्रेंडिंग में चल रही है लगातार,
मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि दोनों पे लिख सकते हैं। अब कोरोना वायरस पे चल रहा है तो बहुत सारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर कोरोना वायरस की वीडियो बनवा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये करो ये ना करो, ठीक है ना। और जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, पोटेंशियल ऑडियंस, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उनकी क्या क्या क्वेरीज है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, उन पर मैं आर्टिकल्स लिख दूंगा। तो ये जो है ये है यूज़र क्वेरीज, और कोरोना वायरस जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक, आज या दो महीने बाद कोई नहीं पूछेगा, खत्म, ठीक है ना। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी कई लोग लिखते हैं, न्यूज़ क्या है, ट्रेंडिंग ही तो है, ठीक है ना। वो कौन सा बाग था, शाहीन बाग, खत्म हो गया ना कोरोना वायरस आते थे, बात कहाँ होती है उसकी, ठीक है ना। तो वो प्रोटेस्ट हुआ तब बात हुई, तो वो ट्रेंडिंग होते हैं। लेकिन ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इसमें भी ट्रेंडिंग होती है चीज़ें, लेकिन ट्रेंडिंग इन लाइफ नहीं होती, होती है एक मूवी भी तो ट्रेंडिंग की तरह ही आती है, चली भी जाती है दो हफ्ते में। तो वैल्यू उसकी है जो एवरग्रीन हो। तो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन, हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन, जिसको भी करना है वो सोचे करें यार मेरे लिए है कि नहीं है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करने से हुआ क्या, क्या फ़ायदा है इसका। फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, जॉब करूँगा तो सैलरी कितनी लगेगी, फ्रीलैंसिंग करूँगा तो कैसे करूँगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में है, उन सब के आंसर मुझे देने थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू आर्टिकल्स अपने ब्लॉग में डाल के, ठीक है ना। तो कोई भी आके ढूंढेगा तो सर्च बार की तो जरूरत पड़ेगी ना, या एक एक कैटेगरी में जाके 10वें पेज तक आर्टिकल सर्च करेगा जाके, नहीं है ना ऐसा, यूजर फ्रेंडली ना हो ना फिर तो साइट। तो जब ब्लॉग बनाए तो क्या होना चाहिए, सर्च बार। इस वेबसाइट में मुझे वही कमी लग रही है बस, ब्लॉग है अभी भी आप किसी ब्लॉग पे ही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज फैक्टर्स, अब बिगिनर्स चेकलिस्ट, ठीक है ना, लेकिन सर्च बार नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए था। रेसिपी साइट आ गई है, रेसिपी नहीं है, अच्छा एसईओ की है, सर्च बार दिख रहा है, ठीक है, सर्च बार दिख रहा है मतलब डायनेमिक है, और यूआरएल स्ट्रक्चर डायनेमिक है, डायनेमिक है सर्च बार, चाहे नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब भी आप पेज पे हो ना, अगर आपको दिख रहा है ऑथर का नाम, कमेंट्स, डेट, तो वो क्या होता है, ब्लॉग होता है, ब्लॉग है, मतलब इंफॉर्मेशन जब भी आप बोलते हो ना, तो इंफॉर्मेशन की एक पब्लिश डेट होती है, और जो वो इंफॉर्मेशन पढ़ता है उसकी क्वेरीज वो नीचे पूछता है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स होता है, देखा आपने कभी, कमेंट बॉक्स होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि 125 कमेंट है, 19 जून 2019 को पब्लिश हुआ था, रॉबी ने किया था, रॉबी के बारे में कुछ लिखा हुआ। तो जब भी आपको कहीं पेज में ऐसा दिखे तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, ब्लॉग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये भी स्लैश में लिखा हुआ, ये भी डायनेमिक है, सर्च बार भी मिलेगा यहाँ पे आपको, इस पे नहीं मिला लेकिन डायनेमिक है। और ये जब मैं एसईओ करूँगा तो हम इसको रेफ़र करेंगे, एसईओ की बहुत नंबर वन साइट है, क्या नाम है, backlinko.com, ठीक है ना। फिर स्लैश मतलब डॉट एचटीएमएल तो नहीं है, तो स्टैटिक नहीं है, ये भी डायनेमिक है, backlinko ही है, ये भी backlinko, ये सारे लिंक backlinko की हैं। अब फेसबुक में भी देखो डॉट एच टी एम एल कहीं पर भी नहीं है, फेसबुक पूरा पी एच पी बेस्ड है, वर्ड प्रेस पूरा पी एच पी बेस्ड है जो हम करने वाले हैं, लेकिन पी एच पी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वर्ड प्रेस जो बना हुआ है वो पी एच पी पे है, लेकिन वर्ड प्रेस कोड लेस है तो कोड तो कहीं आएगा नहीं उसके अंदर, सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या बताई, यू आर एल स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ क्या बताई, सर्च बार, तीसरी चीज़ क्या बताई, नंबर ऑफ पेजेस, तीन चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टैटिक आगे डाल में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, तो सर्च बार जहाँ पे है मतलब वो डायनेमिक है, रजिस्टर लॉगिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फेसबुक में जाते हो, गूगल में जाते हो, जीमेल का अकाउंट बनाते हो, नया अकाउंट बनाते हो, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने डाली, आपका जेंडर बताया, एज बताया, फ़ोन नंबर बताया, ईमेल आईडी चूज़ किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कहीं तो सेव होता होगा, कहाँ सेव होता है, डेटाबेस में। और वही ईमेल आईडी अगर आप दोबारा डालो तो बोलते हैं ना ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। या कभी कभी आप पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने के लिए आप ईमेल आईडी डालते हो, ईमेल आईडी गलत होते हो, बोलते हैं नॉट इन आर डेटाबेस, ठीक है ना, और होती है तो ईमेल कर देता है आपको। तो ये सब जो आप रजिस्टर करते हो, लॉगिन करते हो, जहाँ दिख जाए वो साइट भी डायनेमिक है, ठीक है ना। और ये भी कई लोग दिखाने के लिए डाल देते हैं, क्लिक करके चेक कर लेना फॉर्म आता है कि नहीं आता, और फॉर्म आता है तो भर के देख लेना जाता है कि नहीं जाता, वरना बेकार है, ठीक है ना। ब्लॉग अभी बता दिया, ब्लॉग में देखो
मैं अपने ब्लॉग में अगर रोज नहीं तो चलो दो दिन में एक बार ब्लॉग डालता हूँ, एक साल में 180, 10 साल में 1800, कैसे ढूंढेगा कोई? तो सर्च बार के बिना तो काम होगा ही नहीं ना, तो सर्च बार होना ही चाहिए ब्लॉग में, ब्लॉग उसके बिना बन ही नहीं सकता। दूसरा पार्ट ब्लॉग का, जैसे आपने एक ब्लॉग बनाया, एक पेज में तो 10 ही आते हैं ना ज़्यादातर, फिर 1, 2, 3, 4 या ओल्डर न्यूअर आ जाता है, तो 10 आए। फिर स्टैटिक वेबसाइट के हिसाब से सोचता हूँ, पहले मेरी पहले वेबसाइट स्टैटिक थी, आज भी स्टैटिक है, तो मैंने पहले ब्लॉग ना स्टैटिक में ही बना दिया था अपना। मैंने कहा हर कोई ब्लॉग बनाया जा रहा है तो मेरी वेबसाइट में भी होना चाहिए। वर्डप्रेस मुझे एक्चुअली बताऊँ मैंने सुना भी नहीं था, आता भी नहीं था शुरू में, ठीक है ना, वरना तो मैं शुरुआत ही वर्डप्रेस से करता, क्यों करता ये कॉम्प्लिकेटेड एसटीम है, लेकिन करा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया, जो होता है अच्छा ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने स्टैटिक वेबसाइट में ब्लॉग बना दी, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि मैं तो थीम पे काम करता हूँ, तो ब्लॉग की लुक एंड फील वाला भी एक पेज था मेरे पास, उसको मैंने लगा के ना ब्लॉग का पेज बना दिया। और ब्लॉग का पेज कभी भी डॉट एचटीएमएल नहीं होता, मेरा ब्लॉग का पेज डॉट एचटीएमएल था, क्योंकि ब्लॉग तो डायनेमिक होता है, स्लैश होना चाहिए, वो मेरा एचटीएमएल, वो उसके अंदर से 10 ब्लॉग। अब 10 ब्लॉग के बाद मैंने 11वां ब्लॉग डालना, तो क्या करूँ, एक पेज और बनाना पड़ेगा, और फिर जो 10वां आर्टिकल है वो 11वां बनाना पड़ेगा, और जो नया आर्टिकल है वो ऊपर डालूंगा ना ब्लॉग में, रिसेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर आती है। और फिर जो ब्लॉग का पेज था उसमें अभी तक कोई प्रीवियस नेक्स्ट और 1, 2, 3 नहीं था नीचे, लेकिन जैसे ही दूसरा पेज बन गया तो 1, 2 भी लगेगा, प्रीवियस नेक्स्ट भी लगेगा, और इस पे मुझे लिंक भी मैनुअली लगाना पड़ेगा, 1 पे पहले वाले पेज का, 2 पे दूसरे वाले पेज का। अब अभी तो 10 ही आर्टिकल थे, अगर 100 होते तो 100 तक तो मैं मैनेज नहीं कर पाता, मतलब 100, 101, 90, 91, 80 वाला 81, देख रहा हूँ कितना टफ हो रहा है, एक पेज बना के और हर पेज का लास्ट वाला आर्टिकल नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ और फर्स्ट पेज पे फिर नया डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखो, हर आर्टिकल की साइड में एक कमेंट बॉक्स होता है, जब भी हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो जैसे कोई कमेंट करता है ना, रीसेंट कमेंट्स में अपना दिखाने लग जाता है कि इस आर्टिकल पे कमेंट किया है इसने। स्टैटिक वेबसाइट में एक एक ब्लॉग में जाके सारे पेजेस में जाके देखते हैं कि कमेंट कहाँ किया, और फिर उसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता, पॉसिबल नहीं था। जैसे ही कोई नया आर्टिकल डालो, रीसेंट आर्टिकल्स में अपना चला जाता है, स्टैटिक में वो भी आपने मैन्युअली करना पड़ता, तो स्टैटिक में ब्लॉग बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको रीसेंट आर्टिकल्स में भी खुद डालना पड़ेगा, रीसेंट कमेंट्स में भी खुद डालना पड़ेगा, 1, 2, 3 भी नीचे खुद लगाना पड़ेगा, और पेज भी नया बना के आर्टिकल भी खुद मूव करना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये जो चीज़ें मैंने बोली है ना सब कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक में सब चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेटिक, पेज भी अपना बन जाएगा, रीसेंट कमेंट्स में भी अपना चला जाएगा, रीसेंट आर्टिकल्स में भी अपना चला जाएगा, 1, 2, 3 भी बन जाएंगे, लिंक भी लग जाएगा। बैठो भी बैठ जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना कि ब्लॉग तो किसी 1% भी पॉसिबल नहीं है स्टैटिक, डायनेमिक में ही पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉग बनाओगे तो 10 में ही थोड़ा रखोगे, आगे भी तो बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स ईजी रहे तो डायनेमिक में बनाओ, वरना स्टैटिक में पॉसिबल ही नहीं है। ई कॉमर्स साइट कितने प्रोडक्ट्स अपडेट हो जाते हैं, हटाते हैं, कितने रोज नहीं डालते, कितनों की तो इन्वेंट्री रोज अपडेट करनी पड़ती है, तो एक एक पेज पे जाके थोड़ा इन्वेंट्री अपडेट करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको ई कॉमर्स के लिए क्या होता है, आप एक एक्सेल फाइल रेडी कर दो, अपलोड कर दो, उसी एक्सेल फाइल में सारी इन्वेंट्री अपडेट करके अपलोड कर दो, सारी इन्वेंट्री हर प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी। स्टैटिक में एक एक पेज में जाके थोड़ा करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट में तो ऐड टू कार्ट भी नहीं लगेगा, चेकआउट पेज आप देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करते हो कार्ट में ऐड हो जाता है अपने आप, स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा। कहाँ पे? सब मैनुअली टीम होती है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल साइट्स हैं, वो तो बहुत ऑटोमेशन है उसके अंदर। अब वो ऑटोमेशन हो गया ना, सेट कर देते हैं कि 11 बजे तक 40%, उसके बाद 30%। जैसे कहीं सेल लगाते हैं लोग, रात को 11 बजे 15 मिनट के लिए सेल लगाएंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट नॉवल हो जाते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स में भी क्या होता है, बहुत अपडेशन से ही होती हैं, स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। और ई कॉमर्स में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो सर्च बार तो चाहिए, और जहाँ सर्च बार वो डायनेमिक, सिंपल सी स्टोरी तो वहीं आके रुक जाती है बस, सर्च बार जहाँ दिख जाए डायनेमिक, URL में डॉट एचटीएमएल दिख रहा है तो ज़्यादातर केसेस में वो डायनेमिक है, कुछ केसेस में वो स्टैटिक भी है, जैसे हमने अभी एक देखा। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ, Thank you.
नेट लगा ही नहीं है अभी यहाँ पे, नेट लगा ही नहीं है अभी। रेंट एग्रीमेंट लेट दिया उन्होंने, फिर वो सबमिट किया मेल के थ्रू, फिर होली आ गई इसलिए आज कर दिया। मेरा ये चल रहा था, ये भी बंद हो गया क्योंकि जब इंटरनेट चले तो बैटरी बहुत जल्दी जाती है, भूल गया ये लगाना। चलो कोई बात नहीं, दिखा दूंगा ये आपको बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सर्च और लॉगिन दिखे वो डायनेमिक है, यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो जाके देख लेना और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। डिजिटल उदित पे जाना, डिजिटल उदित चैनल यूट्यूब पे, और वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट देख लेना, उसमें कोई स्क्रीनशॉट से बताया हुआ समझ में आएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। क्या होती है वीडियो देख लेते हैं। अच्छा वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी चला नहीं है, चल जाए फिर दिखाता हूँ एक बार। किसी और का हॉटस्पॉट है चला के देखो, आप दे दो। क्या नाम है? वही पीछे बैठ जाओ दिवाली। अब जैसे मैं बोल रहा था कि साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। People use tablets and smartphones for different purposes. 90% of people use multiple screens sequentially, browse the internet, shop online, manage finances, plan vacation. तो मोबाइल से ही करते हैं मोस्टली चीज़ें अपनी। तो इतने डिफरेंट साइजेस में मोबाइल्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो हर किसी डिवाइस के लिए तो साइट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो हाउ डू मार्केटर्स एंगेज यूजर्स ऑन सो मैनी स्क्रीन्स? By having responsive design. तो बीच में ना एक ट्रेंड आया था कि मोबाइल वेबसाइट्स भी बनानी शुरू करती थी लोगों ने, लेकिन उसी टाइम आ गया responsive वेबसाइट। तो अब एक ही वेबसाइट डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, सब पे चल जाती है। पहले एम डॉट वाली वेबसाइट्स भी आ गई थी, एम डॉट फेसबुक डॉट कॉम, एम डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, ठीक है ना। तो फिर अब उसकी जरूरत नहीं, अब एक ही वेबसाइट से काम आ जाएगा। सही लिखा है, राइट वंस, एक बार बनेगी और रन एवरीवेयर। तो जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट, मैंने राइट क्लिक किया इसको और इंस्पेक्ट पे चला गया। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अभी देख रहे हो आईफोन 6, 7, 8 में कैसी दिखेगी, ठीक है ना। और अगर आईपैड प्रो पे देखना है तो आपको स्क्रीन छोटी की वजह से पूरा नहीं आ रहा, ये आईपैड प्रो है, ओरिजिनल साइज है उसका, ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। और फिर ऐसे आप चेंज करते रहो जो आपको देखती है। आईपैड थोड़ी छोटी होगी, आईपैड आगे बना हुआ, ठीक है। फिर आईफोन एक्स में कैसे दिखेगी, एक्स में ऐसे दिखेगी। आईफोन गैलेक्सी X5 में कैसे दिखेगी, ठीक है ना। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे मैंने आपको दिखा दिया कि ऑटोमेटिकली कंटेंट एडजस्ट हो गया, कहीं पे भी देखने में इशू नहीं आ रहा है यहाँ पर। फिर रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर देंगे तो किसी भी एडजस्ट हो जाएगी अपने आप। जैसे मैं आप, इसमें तो नहीं हो रही, ऐसे नहीं होगी, मतलब इसको कट कर देता हूँ, अब नॉर्मल आ जाएगी। और अब करता हूँ इसको छोटी,
हो रहा है देखो एडजस्ट, कितनी सारी स्क्रीन्स के साइजेस अब आ रहे होंगे यहाँ पे, हो रहा है ना सब में एडजस्ट। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। अगर यही मेरी फर्स्ट वेबसाइट या सेकंड वेबसाइट दिखाऊँ आपको, सेकंड वेबसाइट घटिया कंटेंट नहीं हुआ ना छोटा, तो ऐसी वेबसाइट को बोलते थे फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ 1400 पिक्सल है तो 1400 पिक्सल ही रहेगा, छोटे में खोलो बड़ा खोलो। अगर छोटा करेंगे तो कैसा हो जाएगा देखो, इसको भी करते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, देखना ही नहीं कुछ। आईफोन 6, 7, 8 कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन यही अगर करंट वेबसाइट दिखाऊं तो सब पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, राइट वंस रन एवरीवेयर। तो यही होता है आपका बस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है ना। फिर ये कुछ जैसे मैंने बोला था एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर कल आपको मैं बेसिक एचटीएमएल की क्लास दूंगा। तो फटाफट से बता देता हूँ एलिमेंट्स जो हम पूरी वेबसाइट में यूज करते हैं, अब जैसे मैं बता रहा था कि हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम बना बनाया डिज़ाइन लेंगे, उसको एडिट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। और डिज़ाइन मैंने बताया था फ्री भी होते हैं पेड भी होते हैं, पेड वालों को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो हम गूगल पे अगर हमें कुछ डिज़ाइन ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढते हैं, प्रीमियम वेबसाइट। अब प्रीमियम के साथ हमें मोबाइल फ्रेंडली भी चाहिए, तो हम बीच में क्या लिख सकते हैं, प्रीमियम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट्स डिज़ाइंस थीम्स जो मर्जी लिख दो। तो ये कीवर्ड लिखा, ये कुछ साइट्स आ गई। पहली साइट आ रही है फ्रेश डिज़ाइन वेब 25 बेस्ट प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट्स 2019, इस पर क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर 25 लिखा तो 25 होंगे भी, ठीक है ना। तो इस वजह से नॉर्मली जिस पर मैं काम कराता हूँ ये थीम्स के नाम है, फाउंड्री, पोफो, स्टैक, लंपस, पिलर, यूनिवर्सल, पैसिफिक, पाइवट, बी थीम, कॉमेट, और जिस पर मैं काम कराता हूँ उसका नाम है पोलो। अब ये पुराना हो गया थोड़ा सा, 140 प्लस लेआउट्स लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन है नीचे, मोर इन्फो में जाओगे या डेमो में जाओगे। मोर इन्फो में जाओगे तो देखो क्या आ रहा है, मोर इन्फो में गए तो आ गया प्राइस। कोई ज़्यादा महंगी है, 140 की जगह कितने हो गए अब 220 पेजेस पे यूनिक एलिमेंट मिलेगा आपको। इतनी चीज़ें हैं, मैंने बोला 10% यूज़ कर ली तो 10 में वो ही 22, ठीक है ना, नहीं यूज़ हो पाती उतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। अल्टीमेट है, पूरा डेमो कंटेंट देता है, चेंज करना है स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से सेट करना है और कंटेंट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, साइट बन जाती है। स्टैटिक वेबसाइट है ना, अभी देखना आज वेनसडे है ना, नेक्स्ट वीक भी मैं पूरा नहीं लूँगा स्टैटिक में, नेक्स्ट वीक की 3 क्लासेस में आपको स्टैटिक आ जाएगी, क्योंकि बीच में 3 दिन भी तो आएंगे ना, सैटरडे संडे मंडे, यहाँ आके प्रैक्टिस करो नहीं तो घर में प्रैक्टिस करो, जो करूँगा वीडियो रिकॉर्ड होगा वीडियो दूंगा, देख देख के प्रैक्टिस करो आ जाएगा आराम से हो जाता है, ठीक है। $18 के बीच में कभी सेल भी लगती है तो 50% ऑफ $9 की भी मिल जाती है, लेकिन एक टूल आता है जिससे फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, होती नहीं है ना, हो गई थी पोलो डाउनलोड, मैंने दी थी ना। अब क्या है कि है ना पायरेसी में बहुत रिस्ट्रिक्शन आती जा रही है तो ना डाउनलोड नहीं होती, वो जो टूल था ना उसमें एरर आ जाता है, ये नहीं होती कोई बात नहीं दूसरी हो जाती होंगी, लेकिन चलो मेरे पास पड़ी है वो दे दूंगा आपको। तो ये थीम जो है इसका मैंने डेमो पे यहाँ से भी जा सकता हूँ, लाइव प्रीव्यू से, लेकिन जब यहाँ पे डेमो लिखा हुआ था तो उससे ये पेज खुला, ये इस थीम का डेमो वर्जन है। अब डेमो में ऊपर क्या लिखा है, एलिमेंट्स दिख रहा है, एलिमेंट्स, और ये सब एलिमेंट्स हैं, नाम क्या है चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक एक करके, कुछ कुछ मेन मेन दिखाता हूँ, सारे देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला अकॉर्डिंग, ये दिखाया था मैंने आपको अपनी वेबसाइट में, तो इस पर क्लिक किया खुल गया, फिर दूसरे पर क्लिक किया पहले वाला बंद हो गया, तीसरे पर क्लिक किया दूसरे वाला बंद हो गया, एट अ टाइम एक ही खुल रहा है, क्या बोलते हैं इसको,
तो बेसिकली ये देखा सब हुआ है, आपने नाम नहीं पता, बस वही नाम बता रहा हूँ अभी। एलिमेंट्स के अंदर अगला ऑप्शन देखो, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ एक, क्या नाम है इसका, पहले नाम देख लो। और चीज़ें वही आ रही है सेम, इस पर क्लिक किया खुल गया, इस पर क्लिक किया ये भी खुल गया, इस पर क्लिक किया ये भी खुल गया, तो तीनों खुल गए। वहाँ पे एट अ टाइम एक ही खुल रहा था, यही डिफरेंस है अकॉर्डिंग और टॉगल में। अगला पार्ट है एनिमेशन, जो एनिमेशन लगाना है वो लग जाएगा, देख रहे हो अलग अलग एनिमेशन आ रहे हैं, फ्लिप, रोटेट। अब दोबारा देखना चाहते हो तो क्लिक कर दो, है ना सब। अगला दिखाता हूँ आपको ऑडियो वीडियो, कुछ ऑडियो वीडियो लगाना तो वो भी लगा सकते हो ऐसे, इसके अंदर वीडियो अपना लगा देंगे, चेंज कर लेंगे। फिर बटन्स, बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो बटन्स लगे होते हैं, लिखा होता है ना कॉन्टैक्ट अस, एनरोल नाउ, ऐड टू कार्ट भी एक बटन है, शॉप नाउ भी एक बटन है, ऑर्डर नाउ भी एक बटन है, तो ये सब बटन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, ये सब पूरा बटन्स का पेज है। फिर क्लाइंट्स, क्लाइंट सेक्शन भी बनाते हैं वेबसाइट में, तो क्लाइंट सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी लुक हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, इधर कंटेंट और इधर ये जो अफेक्ट आ रहा है, ये जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, वो भी दिखाता हूँ अभी। क्लाइंट लोगों के बाद देखते हैं क्या लिखा अगला, क्राउजल, ठीक है ना। अब क्राउजल ये जो मैं दिखा रहा था ना आपको, एरो पे क्लिक करते हैं चीज़ें आगे बढ़ती हैं, या डॉट पे क्लिक कर रहा था आगे बढ़ रही थी, इसको बोलते हैं क्राउजल। ये देखो हो रहा है मूव, यहाँ पे भी आ रहा है, कहीं कहीं डॉट भी आ रहा है ना डॉट, यहाँ दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। क्या बोलेंगे, क्राउजल। flipkart.com, क्राउजल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्राउजल देखा है यहाँ पे, देखो पहला, दूसरा क्राउजल, फिर तीसरा क्राउजल, चौथा क्राउजल, देख रहे हो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो मैनेज कैसे कर रहा है। क्राउजल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और भी खुलती है वेबसाइट, अभी खुलने दी है टोटल, देख रहे हो 14 तो अभी दिखाई दिया आपको, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना हो तो क्राउजल। क्राउजल, क्राउजल के बाद अगला देखते हैं काउंटडाउन, बताया था आपको काउंटडाउन क्या होता है, कम हो रहे हैं अपने आप, काउंटडाउन। फिर उसके बाद अगला होता है काउंटर, नंबर बढ़ते हैं इसमें, ये स्पीड जो है ना ये बहुत तेज़ है, मैं कम कर सकता हूँ इसको। अब जो स्पीड है जैसे 100-100 के गैप में बढ़ रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500, मैं 10-10 में भी बढ़ा सकता हूँ, 50-50 में भी बढ़ा सकता हूँ, 500-500 भी बढ़ा सकता हूँ एक साथ, वो मेरे कंट्रोल में होता है। एलिमेंट्स, फिर अगला देखते हैं डेटा टेबल्स, ये अच्छा है, टेबल वगैरह बनाना हो तो। कौन सा मेन्यू, ये ऊपर वाला ना, नहीं नहीं सब में सेम नहीं रहेगा, हर थीम का अलग अलग, हर थीम का अलग अलग फीचर्स ही सारे होंगे उसके अंदर भी, लेकिन थोड़ी लुक एंड फील अलग होगी, थोड़ा सा लेआउट का फर्क होगा। फिर यहाँ पे टीम मेंबर्स, टीम मेंबर भी लोग बनाते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट हो गया, अलग अलग डिज़ाइंस दिए हुए हैं इसके, तो इसमें से जो अच्छा लगेगा वो यूज़ कर लेंगे। फिर टीम मेंबर्स के बाद है आपका लाइट बॉक्स, देख लेते हैं, नॉर्मल इमेज आ रही है, क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगी, ठीक है ना, इसको लाइट बॉक्स इफेक्ट बोलते हैं, इमेज एक्सपैंड हो जाती है। अब ये है लाइट बॉक्स गैलरी, तो इसमें अच्छा होगा, जूम पे क्लिक करेंगे और यहीं पे एरो आ गया, चेंज करते हैं, ऊपर वाले में वो नहीं था,
अब जैसे क्या स्पेस कम होता है तो मैप लगा दिया छोटा सा, क्लिक कर दिया तो बड़ा हो गया, वीडियो छोटा सा लगा दिया क्लिक करा तो बड़ी हो गई। तो ये लाइट बॉक्स इफेक्ट है। फिर अगला है आपका मॉडल, ये बढ़िया चीज़ है मॉडल, स्मॉल मॉडल क्लिक करोगे पॉपअप आएगा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, तीन साइज़ दिए हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, मॉडल बोलते हैं इसको, वैसे तो लोग पॉपअप बोलते हैं लेकिन मॉडल होता है। अब ये लिखा है मॉडल स्ट्रिप, अब देखो क्लिक करूँगा तो नीचे ऊपर से आएंगी, टॉप ऊपर से आएंगी आ गई है, बॉटम करूँगा तो नीचे से आएगी। मेरी जो करंट साइट है ना इसी थीम पे बनी हुई है, मेरी जो करंट साइट है वो इसी थीम को यूज़ करके बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पेजिनेशन, जो बता रहा था ब्लॉग में होता है 1 2 3 4 नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम, और जो प्रीवियस नेक्स्ट होता है उसको पेजर बोलते हैं। इसमें मिक्स कर दिया इन्होंने, प्रीवियस नेक्स्ट भी लगा दिया 1 2 3 भी लगा दिया, तो पेजिनेशन और पेजर दोनों आए। सिर्फ नंबर्स होते तो पेजिनेशन और सिर्फ एरोज होते या प्रीवियस नेक्स्ट होता तो पेजर। फिर है पाई चार्ट्स, ये भी अच्छा है, जैसे कहीं वेबसाइट्स में लिखते हैं ना स्किल, ठीक है ना, वेबसाइट डिजाइनिंग में 95%, SEO में इतना, PPC में इतना, तो स्किल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना स्किल सेट के लिए, स्किल सेट दिखाने के लिए। फिर अगला है इम्पोर्टेंट है ये भी, प्राइसिंग टेबल्स दिखाना चाहते हो तो 3 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम विद बैकग्राउंड, ये भी बताऊँगा कैसे लगाते हैं। फिर जैसे वो पाई चार्ट्स थे ना सर्कल में, ये है बार्स, ये तो देखा होगा आपने बहुत सारी वेबसाइट में, प्रोग्रेस बार्स बोलते हैं इसको, इसका कलर, इसकी थिकनेस, इसका कंटेंट, इसका परसेंटेज सब चेंज हो जाएगा। पैरेलेक्स, ये यहाँ समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं यूजली एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम क्या है, वी आर एनिमल एक साइट है, इस पे देखना ये लोग अच्छा लगता है, और ये पूरा पैरेलेक्स है। ठीक है, पैरेलेक्स बोलते हैं इसको। इमेज फिक्स है, कंटेंट मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, इमेज फिक्स है, कंटेंट मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स, ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, अट्रैक्टिव चल रहा है ना, ये देखो ऐसे ये डॉट्स भी हैं, स्टार्स, बबल्स, स्नो, ये कुछ लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये बहुत सारी शेप्स हैं जो आप लगा सकते हो किसी भी सेक्शन के ऊपर नीचे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। टैब्स, टैब भी दिखाए थे मैंने आपको पहले, है ना, टैब देखो कंटेंट चेंज हो रहा है, ये टैब भी लगा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, ये सेक्शन भी होना चाहिए, तो क्लाइंट भी दिखाया, टीम मेंबर भी दिखाया, क्राउजल भी दिखाया, ये भी हो गया। फिर इसके अंदर अब जैसे स्लाइडर हो गया, ये देखो होम पेज पे टॉप ऑफ द पेज स्लाइडर लगाते हैं यूजली, ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो कल जब इसको कंटिन्यू करेंगे ना तो टॉप बार पे आके मेरे पास लेआउट डेमोज का एक पेज है जहाँ पे 220 डिफरेंट लेआउट्स हैं, ये सब मिलेगा आपको, ये सब बना बनाया मिलेगा, सब इमेजेस लगी हुई होंगी सब। और इसके अंदर ये बहुत सारे स्लाइडर्स हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में ये डुअल टोन वाला यूज़ किया हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। आपको पैरेलेक्स का ना एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, पैरेलेक्स का
पैरालैक्स का एग्जांपल है, देखा था ना अभी वी आर एनिमल में पैरालैक्स, इसी का एक एग्जांपल है। और अब देखो ये कार है ब्लैक एंड वाइट, इसके नीचे अब आपको क्या फील आ रही है, इससे कलर चेंज हो रहा है ना, पर ऐसा नहीं है, ये दो इमेजेस है, ऊपर वाली भी एक इमेज है नीचे वाली भी एक इमेज है, और इमेज एकदम सेम पोजीशन पे है, तो जब वो चेंज हो रही है तो आपको लग रहा है कि वो कलर हो रही है। अगला देखो, ये तीसरी इमेज है, इसके नीचे क्या होगा, इसी की कलर वाली इमेज, तो वो भी आपको लगेगा। देखो तो ये क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं, सेम इमेज को यूज़ करा किस इफेक्ट में, देखो शूज़ का कलर हो जाएगा, कलर नहीं हो रहा, वो नीचे अलग इमेज आ रही है। ठीक है, अब देखो इसने अपना स्किल सेट बता रहा है, HTML 100% CSS3 इतना, jQuery इतना, MySQL इतना, तो प्रोग्रेस बार यूज़ कर रहा है, और ये पैरालैक्स इफेक्ट है, यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ है इस थीम में, बहुत कुछ है। टैक्सी की थीम बनानी है, लॉयर की बनानी है, अलग अलग मिल जाएगी, बेकरी की बनानी है, होटल की बनानी है, रेस्टोरेंट की बनानी है, वेडिंग की बनानी है, फिटनेस, फिटनेस का देखो आपको पेज में लगेगा नहीं कुछ कि कुछ मुझे और नया ऐड करना है, सब ऑलरेडी है। देखो और क्या चाहिए इसके अलावा, अनलिमिटेड। ठीक है चलो इतना ही करते हैं, कल करेंगे इसके थोड़े और लेआउट दिखाऊंगा और बेसिक एचटीएमएल करेंगे। ठीक है समझ में आ गया, स्टैटिक और डायनेमिक का थोड़ा आइडेंटिफाई, दो चार वेबसाइट को खोल के करके देखना कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है। जैसे मैं आपको अब वो तो देखो, आप ये कोर्स सीख रहे हो तो ये कोर्स ऐसी चीज़ है कि आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो इसकी और सर्विस भी दे सकते हो, तो इसी की सर्विस की साइट बना सकते हो, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखोगे। हाँ डिजिटल मार्केटिंग, तो अभी जैसे कि वेबसाइट पे डोमेन भी लेना होगा, तो एक नेम पर्टिकुलर चाहिए होगा। अभी मतलब अभी तो मैं डोमेन होस्टिंग दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जब साइट बनाने आ जाएगी, फिर किसी में भी बना सकते हो। टेक्निक्स तो देखो मैं आपको पूरी सिखाऊंगा। अब देखो जैसे ये साइट है, इस साइट के मैं हूँ इनर पेज पे गया, डोमेन देखो क्या है .html, और यहाँ पे क्या है, तो क्या बोलोगे आप, स्टैटिक की डायनेमिक, डायनेमिक सर्च बार है तो डायनेमिक है, क्लियर है। ठीक है ना, और क्योंकि ई कॉमर्स भी ये दिख रहा है ना, एड टू कार्ट, शॉपिंग कार्ट, तो ई कॉमर्स क्या होती है, डायनेमिक। ठीक है ना, अब ई कॉमर्स में आपको पता ही कि आगे जाके हम साइनअप भी करते हैं, तो रजिस्टर लॉगिन जहाँ पे आ गया वो भी डायनेमिक, सर्च जहाँ पे आ गया वो भी डायनेमिक, ई कॉमर्स है तो डायनेमिक ही है। ठीक है ना, तो इस वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन है यूआरएल कस्टमाइजेशन का, आप चेंज कर सकते हो उसको, इसलिए ये एचटीएमएल किया हुआ है। वैसे ये साइट .net पे है, ये दिखाऊँ आपको .net का इसका नमूना, आ गया ना, ASP पे पेज है, ठीक है ना, ASP, तो मेन मेन पेजेस को और कैटेगरीज को उन्होंने .html बनाया हुआ है। इस मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें ऑप्शन है, ये प्लेटफॉर्म बताऊंगा मैं आपको ई कॉमर्स के अंदर, US बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है चलो, ठीक है कंटिन्यू करते हैं।